हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 के सेकेंड केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन नामक चैप्टर को। गाइस, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर्स के जो भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, उन सभी रिएक्शन को साथ में करते हुए चलेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक रिएक्शन आपको ट्रिक के जरिए दिमाग में बैठा दिया जाए और याद करा दिया जाए। तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको भी क्या करना है, जो भी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, उन सभी चीज़ों को या तो अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना, हालांकि मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ बहुत बेहतरीन पीडीएफ आप सभी के लिए, आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा ना। फिर भी आपको नोट्स करते हुए चलना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो चीज़ें आप लोग लिखते हैं वे चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, इसलिए सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में ही सही आप टाइप करते हुए चलना जो चीज़ें मैं कहूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दूसरी बात यह है कि गाइस, इस चैप्टर यानी ये सेकेंड केमिस्ट्री है, यहाँ पर रिएक्शंस नहीं याद होते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके दिमाग में ट्रिक के जरिए रिएक्शंस को याद करा दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर में बैठना होगा ना। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं और सभी लोग एक बार जय माँ सरस्वती लिखें और माँ सरस्वती से माँ शारदे से एक पॉजिटिव एनर्जी की प्रार्थना करें और उनसे ये प्रार्थना करें, जो भी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ें सभी चीज़ें आपको लास्ट टाइम तक याद रहें, जब तक कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोग एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज प्राप्त करें, ये माँ सरस्वती से प्रार्थना करें, ठीक है, क्योंकि आराध्य माँ सरस्वती ही है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का ये लेक्चर जो है आपका जो क्लास 12 का सेकेंड केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है, उसी का है, ठीक है। अब पहले चैप्टर का नाम जो है वह है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। क्या है? हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, यह आपका चैप्टर है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। अब हम पहले सबसे पहले यह हम बात करते हैं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के ज्यादा बनते हैं। देखिए, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज़्यादा जो बनते हैं, तीन से चार प्रकार के बनते हैं, हमने देखा हूँ पिछले 7 सालों में। अगर देखा जाए इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए पूरे एनालिसिस के साथ मैं लेकर आ रहा हूँ, इस पूरे इसको कंप्लीट कराने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस अपने अंसाल का उठा कर लगा सकते हैं, पूरी क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं एक चीज़ ज़्यादा पढ़ाऊँगा, नहीं एक चीज़ कम पढ़ाऊँगा, जो आपको पढ़नी चाहिए वही मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए, चार प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला एक क्वेश्चन बनता है अभिक्रिया से संबंधित, कैसे अभिक्रिया से संबंधित, अब मैं बताऊंगा आगे अभिक्रिया से संबंधित कैसे बनते हैं क्वेश्चन, अभिक्रिया से संबंधित। और जो ये अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन बनता है, ये भी चार प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसको मैं आगे डिसाइड करूंगा। और दूसरा होता है बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न ये बनता है। तीसरा जो है आप सभी के एग्जाम में यहां से अति लघुतरी प्रश्न भी बनता है, देखो मैं बात कर रहा हूं इस पार्टिकुलर चैप्टर की, मैं पूरे केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। तीसरा जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहां से कभी कभी जो है रिक्त स्थान करने वाला भी पूछा गया है, स्थान करने वाला, रिक्त स्थान वाला, या फिर लघुतरी प्रश्न भी पूछा गया है। ये आपका पूरा डायग्राम ही कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये तो हुआ आपके ये पूरे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। ये जो अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये अभिक्रिया से संबंधित आपका कभी कभी क्या होता है, होता है जब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछे जाएगा क्या होता है जब हेलो एल्केन के ऊपर या फिर क्लोरोबेंजीन के ऊपर हम सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब, या कभी कभी पूछता है कैसे प्राप्त करूंगी,
सर ये कैसे प्राप्त करोगे, जो क्वेश्चन पूछता है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे पूछेगा आपसे कि कैसे प्राप्त करोगे हेलो एल्केन से बेंजीन, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे, परेशान नहीं होना है, रिएक्शन भी कराऊंगा, क्वेश्चन पर कराऊंगा, ये जो भी क्वेश्चन है ये अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है। और एक और पूछता है आप सभी के लिए, वह है आपका आपका जो है क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, और इस तरह से एक नेम वाली रिएक्शन पूछता है, नाम वाली वाली अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया में जैसे आपसे पूछ देगा हुंस डीकर रिएक्शन बताइए कैसे करता है, हुंस डीकर अभिक्रिया ये क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ देगा डार्जियन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या पूछ देगा सेंडमायर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या पूछेगा गटरमैन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, रसद प्रक्रम पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ देता है नेम देकर। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का फ्लो है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अब कैसे पढ़नी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहली बात आपको कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बताया हूं। और मैं ये गारंटी लेता हूं कोई आपको नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता होगा, इसलिए नहीं बताता होगा क्योंकि वे लोग एनालिसिस करते ही नहीं है, जो पिछले 5 साल का वही पढ़ाते चले जाते आज के 10 साल पहले भी वही पढ़ा रहे थे, आज भी वही पढ़ा रहे थे, कोई भी रिसर्च नहीं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बच्चों की जिंदगी खराब मत करो, सीधी सी बात है, जो पढ़ा रहे हो एक बार एनालिसिस करके पढ़ाया करो, कम पढ़ाओ लेकिन हाँ वहाँ से पूरा क्वेश्चन बजाओ, एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। कब होगा, जब आप लोग देखोगे कि एग्जामिनर क्या सोचकर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, और कोई नहीं कर रहा तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लासेज कंप्लीट कराई जाएंगी। ये पूरा आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर का फ्लो चार्ट है कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, आप इसे एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से ना, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट करने का मैं पर्याप्त समय दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ पूरा सामने से, चलिए ठीक है, इसको हम रब करते हैं ना। अब एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे हेलो एल्केन। और हाँ एक चीज़ और है कि इस चैप्टर से एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस लेक्चर से आपके एग्जाम में कितने नंबर के नंबर तैयार हो जाएगा। देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 नंबर, कभी कभी 3 नंबर, ये निर्धारित नहीं है, 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये निर्धारित नहीं कब 3 नंबर पूछा गया, कब मैं देखा था 2019 में कम पूछा गया था, लेकिन 18 में ज़्यादा पूछा गया था। तो 3 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं इस चैप्टर के फ्लो चार्ट से संबंधित, जो कि आप सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, सभी चीज़ें अभी तक के समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए हम बेसिक से उठाते हैं, हम ये मानते हैं कि आप लोग क्लास 11th में नहीं पढ़े, ये मानकर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो जो पढ़े हैं वे लोग साथ देना भाई, जो चीज़ें मैं आपको आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये मत कि आपको आ रही तो स्किप करना, अरे आ रही रिवीजन होगा तो और बढ़िया है, ठीक है। देखो हम लोग जो सेकेंड केमिस्ट्री है उसमें हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हम ये सभी चीज़ें आपको PDF में नहीं लिखा हूँ, लेकिन हाँ हालांकि मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी पहली बार भी लेक्चर में आ रहा हो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा 5-10 मिनट स्टार लग गया तो क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन के बारे में, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन इसके बारे में हम लोग जानते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे इस हाइड्रोकार्बन में 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन, हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से ये हाइड्रोकार्बन बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से ये हाइड्रोकार्बन बना है, यानी वे सभी यौगिक जिसमें यौगिक, वे सभी यौगिक जिसमें कौन से तत्व हों, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन से संबंधित ही यहां पे चीजें पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने एक CH4 मैंने लिखा, CH4 ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए जरा, मेथेन कहते हैं, इसे मेथेन कहते हैं और ये हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से अगर हम लोग C2H6 लिख दें, इसे एथेन कहते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन,
तो वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये पॉइंट सभी को समझ में आया है, जरा बताएंगे सभी लोग पॉइंट, एक एक पॉइंट को मैं पूछते चलूँगा कि क्या आपको समझ में आया नहीं आया, और नहीं आया तो मैं तुरंत बता दूँ। यानी वे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोलिए पॉइंट समझ में आया सभी को, हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, वे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। चलिए ये हाइड्रोकार्बन आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन की बात हो गई, अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये हाइड्रोकार्बन जिसे मैं यहाँ पे मेथेन था ना, इस मेथेन में चार कार्बन है, CH4 है, चार कार्बन है। तो क्या हुआ, कभी कभी कार्बन जैसे आपके पास कोई चीज़ें होती हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है किसी काम के लिए, तो क्या करते हो भाई तुम, मान लीजिए आपके पास ये चार कार्बन है, चार हाइड्रोजन है और आपको यहाँ पे क्लोरीन लगाने की आवश्यकता पड़ी, भाई क्लोरीन भी लेने की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या करते हो, आप कहीं किसी से, देखो भाई मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊँगा, इसको क्या कहा जाता है ये भी बताऊँगा, लेकिन पहले सरल भाषा में समझाऊँगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने, चार हाइड्रोजन है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ आवश्यकता हुई, आवश्यकता यह हुई कि आपको चाहिए था, क्या चाहिए था, क्लोरीन चाहिए था, लेकिन क्लोरीन तो फ्री में मिल नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास चार ही कमरा है, आपके पास जैसे कार्बन के पास चार कमरा है चार हाइड्रोजन के लिए, लेकिन आपको एक क्लोरीन चाहिए क्योंकि आपको आवश्यकता है, हो सकता है आपको कुछ भी करना हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस एक हाइड्रोजन को निकालोगे बाहर और इस क्लोरीन को लाओगे, तो यहाँ पर अगर आप CH3Cl हो जाएगा, CH3Cl, एक हाइड्रोजन को हमने निकाला और एक क्लोरीन को ज्वाइन किया, तो ये जो यौगिक बना इसे कहते हैं हेलो एल्केन, इसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, इसमें यानी हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्या करिए, प्रतिस्थापन किए, इस तरह से जो चेंज करने की क्रिया को कहा जाता है प्रतिस्थापन, क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन कहते हैं। हेलोजन परमाणु को जो होते हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन परमाणु है इससे हमने क्या किए, प्रतिस्थापित किए, परिवर्तित किए, मुझे हमारे क्लोरीन ये कार्बन के पास चार कमरा था और चारों में हाइड्रोजन रह रहे थे, लेकिन कार्बन को लगा कि मुझे एक क्लोरीन की आवश्यकता है तो एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर एक क्लोरीन को लाकर रख दिया, और ये जो यौगिक बना ये हेलो एल्केन है और इसी के बारे में पढ़ना है, जिसे आप लोग समझ गए कमरा से बाहर निकाल के ऐसे ऐसे हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया कही जाती है प्रतिस्थापन, क्या कही जाती है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन कही जाती है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक चीज को हटाकर वहां पे कोई नया चीज लेकर आ देते हैं, लेकर ला देते हैं। अब बात करते हैं सर ये क्लोरीन की हुई क्यों रहने हमने रखा, क्लोरीन को क्या कहा जाता है, ये बात आती है, तो ध्यान देना सभी लोग, आपके पास एक तत्व होते हैं जिसे हैलोजन तत्व कहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं हैलोजन तत्व के बारे में, जानते हैं आप लोग, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर कौन कौन से हैलोजन तत्व हैं, ठीक है। तो हैलोजन तत्व कहा जाता है, हैलोजन तत्व कहा जाता है किसको, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं भाई, हम लोग क्या हैं, साइंस वाले हैं, हम लोग कोई फालतू की चीज़ें नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं इन सभी को एक साथ अगर लिखना तो एक्स लिख देते हैं, एक्स हैलोजन को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, हैलोजन को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर हमें हेलो एल्केन लिखना तो हम Cl की जगह भी CH3X भी लिख सकते हैं, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है यक्ष यहाँ पे क्लोरीन रखना है, फ्लोरीन रखना है, ब्रोमीन रखना है, आयोडीन रखना है, तो पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी हम यक्ष लिखेंगे वहाँ पर आपको यह समझ रखना है कि यहाँ पर इन चारों तत्वों में से कोई भी तत्व हो सकता है। अब मुझे आवश्यकता है, अगर मुझे क्लोरीन की आवश्यकता होगी मैं क्लोरीन का रखूंगा, अगर मुझे फ्लोरीन की आवश्यकता है मैं फ्लोरीन को रखूंगा, अगर मुझे ब्रोमीन की आवश्यकता है मैं ब्रोमीन को रखूंगा। तो अभी तक मैं कहानी में क्या क्या बताया हूँ, कहानी में ये बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ये मेथेन एथेन लिखा था, अब हमने क्या किया, जैसे कार्बन के पास चार हाइड्रोजन थे जो चार रूम में रहते थे, लेकिन मुझे आवश्यकता थी एक क्लोरीन को रखने के लिए, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके निकाल के एक क्लोरीन को ला के रख दिए, ठीक है। जब क्लोरीन को ला के रखें तो जो ये यौगिक बना है इसी यौगिक को कहते हैं हेलो एल्केन, और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केवल क्लोरीन को हमने यहाँ पे रखा है। मान लीजिए इस
तत्व, जो ये हैलोजन तत्व हैं, इसीलिए ये देखो हैलोजन का आगे क्या हैलो लिया गया है और एल्केन लिया गया है, ठीक है। तो हैलोजन तत्व में से किसी भी तत्व को अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एच थ्री एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी एच थ्री एक्स लिखेंगे। अब एक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी तत्व हो सकता है, फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी तत्व हो सकता है। अब जिसकी आपकी आवश्यकता हो यहाँ पर लिख देंगे। और साइंस वाले यहाँ पर भी नहीं दोगे दोस्त, साइंस वाले क्या किए, सर मुझे ये सी एस थ्री क्यों लिखना है, सी एस थ्री के स्थान पर उन्होंने आर लिख दिया, आर एक्स, और स्टार्ट हो गया। यानी आर एक्स का मतलब यहाँ पे सी एस थ्री हो सकता है, ये केवल सी एस थ्री नहीं हो सकता। जैसे मान लो यहाँ पे सी टू एस सिक्स है, सी टू एस सिक्स में हमने क्या किया, मुझे आवश्यकता थी मान लो यहाँ पर भी एक छः हाइड्रोजन, दो कार्बन के साथ में छः हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ था छः कमरे में, ठीक है, इस तरह से दो कार्बन के साथ में हमें क्या हुआ, एक आवश्यकता हुआ कि मुझे इसमें से कोई एक रखना है। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाला तो यहाँ पे कितना बचा, C2H5 हाइड्रोजन बचा, और इसमें से कोई तत्व ले आके यहाँ पे S के रूप में लिख दिया। अब हमें इतना C2H5 लिखने में अच्छा नहीं लगता यार, समय नहीं लगता ना। अब हम लोग साइंस वाले हैं, साइंस वाले तो 60 में लिखते हैं, 60 में लिखने के लिए इसको भी हमने R लिख दिया। अब सर आप मुझे बताओ, इस आर एस को मैंने इसको माने या इसको माने, देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को मानना है। लेकिन हाँ, आर का मतलब क्या होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो समूह उसी को आर कहते हैं। आर किसे कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन वाला समूह है जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है उसी को आर कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक की जो भी बातें समझ में आई सभी को, मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी आपका अगर आपको एक्स दिखाई दे तो एक्स का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ है, फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी हो सकता है, इस एक्स का मतलब। और कहीं पर भी आपको आर दिखाई दे, आर का मतलब हाइड्रोकार्बन वाला समूह, आर का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन वाला समूह, आर का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन वाला समूह है, आर का मतलब हाइड्रोकार्बन वाला समूह है। ये पॉइंट सभी को समझ में आया है, ये पॉइंट सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग करिएगा, हेलो एल्केन किसे कहा जाता है, आप लोग हेडिंग करिएगा, हेलो एल्केन किसे कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, आप लोग अगर डिफिनेशन लिखा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है डिफिनेशन, उत्तरी ग्रुप में हेलो एल्केन का डिफिनेशन लिखे, तो आप क्या लिखोगे, एक या एक से अधिक किसी भी हाइड्रोकार्बन से, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रति हैलोजन तत्वों के द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। अरे डिफिनेशन सुनो, क्या किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक, कोई जरूरी नहीं यहाँ से एक ही हाइड्रोजन को हर निकाले, वो तो मेरी आवश्यकता के अनुसार, मुझे दो हाइड्रोजन निकालने का मन करेगा मैं दो हाइड्रोजन को निकाल के रखूंगा, तीन को मन करेगा तीन को निकाल के रखूंगा। तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्लोरीन मत लिखना, आप ऐसे लिखना, एक या एक से अधिक किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन तत्वों के साथ प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। एक या एक से अधिक किसको, हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में क्या करने के बाद, क्लोरीन के साथ में प्रतिस्थापित करने के, या क्लोरीन के साथ में हैलोजन तत्वों के साथ में प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इस एक हाइड्रोजन को निकालकर यहाँ पे क्लोरीन रखना है। अब हम इसका डिफिनेशन आपको लिखवाने जा रहा हूँ, क्योंकि डिफिनेशन आपके लिए आवश्यकता होती है, एग्जाम में डिफिनेशन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग, क्या, हेलो एल्केन, हेडिंग करना आप लोगों को हेलो एल्केन। आपको हेडिंग करना हेलो एल्केन। डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं, समझिएगा सभी लोग, हेलो एल्केन किसे कहा जाता है, हेलो एल्केन किसे कहा जाता है। देखिए, हेलो एल्केन किसे कहा जाता है, हैलोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापन के बाद जो उत्पन्न यौगिक को हेलो एल्केन कहा जाता है। देखिए, हैलोजन परमाणु के द्वारा, हैलोजन परमाणुओं के द्वारा की द्वारा
हेलोजन परमाणुओं के द्वारा किसी 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 हाइड्रो कार्बन देखिए हेलोजन परमाणुओं के द्वारा किसी हाइड्रोकार्बन जिसे हेलोजन परमाणुओं के द्वारा जो हेलोजन परमाणु उसके द्वारा क्या होता है किसी हाइड्रोकार्बन में से एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापन करने के पश्चात जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं उसे हेलो एल्केन कहते हैं तो बात समझना सभी लोग हेलोजन परमाणुओं के द्वारा किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन करने के पश्चात जो भी यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं हेलो एल्किन कहते हैं उसे क्या कहते हैं हेलो एल्किन कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहते हैं कुछ भी कह सकते हैं हेलो एल्किन कहिए एल्किल हैलाइड कहिए कुछ भी कहिए उसे कहते हैं बात समझना जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि आपके सामने क्या था ये CH4 था इस CH4 में से यहाँ पे चार हाइड्रोजन है इसके पास हमने क्या किया CH के पास चार कमरा है चारों में हाइड्रोजन बैठे हुए हमने क्या किया मुझे आवश्यकता हुई कि एक हेलोजन परमाणु को ज्वाइन कराया जाए हेलोजन परमाणु को हम लोग यक्ष से प्रदर्शित करते हैं जिसमें आपके कोई भी तत्व हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें से कोई भी तत्व को हेलोजन में रख सकते हैं अब हेलोजन परमाणुओं के द्वारा रिप्लेस कराया जाए हमने क्या किया इस चारों कार्बन में से जो चारों हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पर क्लोरीन ला कर रख दिया या यहाँ पर ला कर यक्ष रख दिया तो ये यौगिक जो बना है ये यौगिक जो बना उसे क्या कहेंगे हेलो एल्केन कहेंगे जैसे यहाँ पर ये चार हाइड्रोजन है यहाँ से हमने एक प्रतिस्थापित कर दिया हेलोजन के द्वारा CH3X हो गया CH3X हो गया एक हाइड्रोजन को हमने हेलोजन के द्वारा क्या किया प्रतिस्थापित कर दिया प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है कि उसको हटाकर इसको ला के रख दिया अब जरूरत नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें तीन हाइड्रोजन हटाना है तो तीन हाइड्रोजन हटाएंगे इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर किसे हेलोजन परमाणु के द्वारा जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं इस यौगिक को क्या कहेंगे हेलो एल्केन कहेंगे या फिर एल्किल हैलाइड कहेंगे हेलो एल्केन कहेंगे या फिर एल्किल हैलाइड कहेंगे बोलिए समझ में आ रहा है सभी को तो ये डिफिनेशन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है और आपको मालूम है मैंने आपको बताया इस CH3 को हम लोग आर भी लिख सकते हैं तो इसे RX भी कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं RX भी कह सकते हैं ठीक है तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कोई आपके पास RH परमाणु क्योंकि हमें CH3 को ही R लिखना है इस H एक स्टार उसको H लिखना इसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया H से और H को बाहर निकाल दिया तो ये RX बन गया ये आपका हेलो एल्केन है इसे आप लोग एल्किल हैलाइड भी कर सकते हो इसे हेलो एल्केन भी कर सकते हो इसे एल्किल हैलाइड भी कर सकते हो इसे हेलो एल्केन भी कर सकते हो इसे एल्किल हैलाइड भी कर सकते हो इसे हेलो एल्केन भी कर सकते हो बोलिए समझ में आया सभी को हेलो एल्केन की परिभाषा समझ में आया एग्जाम्पल परिभाषा आपके एग्जाम में पूछता है ठीक है हाँ PDF में देखना ये डिफिनेशन कैसे लिखा गया है ये PDF में दे दूंगा आप लोगों को कहाँ पे टेलीग्राम पे दे दूंगा अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर दे दूंगा डाउनलोड कर लेना सभी लोग ठीक है देखो यहाँ पे डिफिनेशन पूरा लिखा गया है आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ें लिखी गई जो मैंने आपको बताया हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिक को हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन से उत्पन्न यौगिक या एल्किल हैलाइड कहते हैं ये डिफिनेशन लिखा गया है ना ठीक है ना चलिए एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे आप लोग क्या करते हैं
हैलोजन जो हेलो एल्केन उनका वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार पे करेंगे, वैसे वर्गीकरण कई आधार पे किया जा सकता है बुक वगैरह में, लेकिन मुझे जो चीज़ों की आवश्यकता है, देखो मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो चीज़ें आपके एग्जाम में सीधे मिलेंगी। मैं 2 किलो पढ़ाऊंगा तो 2 किलो आपके एग्जाम में मिलेंगी इस चैप्टर से, तो ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ, जो पढ़ाऊंगा वो आपको सीधे मिलेंगी, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। आपको नहीं हो रहा है विश्वास तो एग्जाम से पहले आप अनसाल पेपर उठा लेना। अनसाल पेपर मतलब जो PBS ईयर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस चैप्टर को पूरा पढ़िए 3 से 4 घंटे में, उसके बाद अनसाल पेपर उठाइए, देखिए कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। हाँ, लेकिन अभी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद नहीं, इस चैप्टर के पढ़ने के बाद जब इस चैप्टर का हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे तब, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे तब, क्योंकि अभी आप लोग थ्योरी पढ़े हो लेकिन चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज में किस तरह से ट्विस्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको तभी आएगी जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तब। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसके अलावा मैं कराने वाला हूँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, इसके अलावा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से कराऊंगा ना, तो ये हो गया आप सभी को। चलिए नोट कर लिया आप सभी लोग, इसको हम रब करते हैं अपना। अब हैलोजन के वर्गीकरण करेंगे, हैलोजन या एल्किल हैलाइड या हैलो एल्किन के वर्गीकरण, हेडिंग करिएगा हैलो एल्किन का वर्गीकरण। हेलो एल्किन का वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण करने का आधार क्या है और वर्गीकरण में कैसे हम लोग करते हैं। देखिए हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड जो है इसको 2-3 आधार पे हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं वो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर करेंगे, यानी इसमें कितना हैलोजन उपस्थित है। एक हैलोजन उपस्थित है उसका नाम कुछ अलग दे देंगे, दो हैलोजन उपस्थित है मतलब कोई भी तत्व, जैसे यहाँ पर RX था, ठीक है, एक X उपस्थित है इसका नाम कुछ और रखेंगे, दो X उपस्थित है X2 है इसका नाम कुछ और रखेंगे, 3X उपस्थित है इसका नाम कुछ और रखेंगे। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला वर्गीकरण जो हम लोग कर रहे हैं हैलोजन जन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका क्या आता है, मोनो हैलाइड। सबसे पहला आता है आपका मोनो हैलाइड। देखिए मैं इसका कोई डिफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूं क्योंकि डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है और यह भी आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन इसमें मुझे एक आगे आपको पढ़ाना है जेम डायलाइड हैलाइड और विस्लन डायलाइड, तो वो आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो मैं डायरेक्ट उसे बताया होता तो नहीं समझ में आता, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको मोनो हैलाइड का मतलब समझ लेना बस, मोनो हैलाइड देखिए ये जो मोनो शब्द है आपका ये जहां पर भी जुड़ा होता है इसका मतलब था वो एक, जहां पर भी जुड़ा हो उसका मतलब एक, कोई भी यौगिक जहां पर एक हैलोजन यौगिक जुड़े हों उसे क्या कहते हैं, मोनो हैलाइड कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं आपको एक बेंजीन एरोमेटिक हैलाइड की एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका बेंजीन है, इस पर एक हैलोजन जोड़ दिया जाए इसे क्या कहेंगे, मोनो हैलाइड कहेंगे। यानी कोई भी होगी जिसमें केवल और केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे मोनो हैलाइड कहते हैं, ये मोनो हैलाइड समझ में आया। दूसरा होता है आपका एक डाई हैलाइड, नाम से स्पष्ट है कि डाई हैलाइड मतलब दो हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, ठीक है, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड में क्या होता है, इसमें दो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, डाई हैलाइड में दो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, डाई हैलाइड में क्या होते हैं, दो हैलोजन उपस्थित होते हैं। देखिए इसमें दो हैलोजन उपस्थित है मतलब डाई हैलाइड जो यौगिक बनते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात बनते हैं। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रो आप लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने के पश्चात प्राप्त होता है। दो हाइड्रोजन को यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन उसमें से दो हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात ये कौन सा बनता है, आपका डाई हैलोजन बनता है, डाई हैलोजन बनता है,
अब जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, CH4 इसी का एग्जाम्पल लिया था, इसी को लेते हैं क्योंकि ये इजी आपको समझ में आएगा। इस CH4 में से अगर हमने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया हैलोजन परमाणु द्वारा, यानी CH3X लिखा, तो ये क्या है, मोनोहैलाइड है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से दो हाइड्रोजन को निकालकर दो हैलोजन परमाणु रख दिया, मतलब CH2X2 कर दिया, तो ये जो यौगिक बना है इसे क्या कहेंगे, डाइहैलाइड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इस यौगिक को क्या कहेंगे, डाइहैलाइड, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। और ये दो हाइड्रोजन परमाणु कैसे ऊपर मिले हैं, यहाँ से दो हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाला और दो हाइड्रोजन लगाए, तो दो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक बनता है उसे डाइहैलाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डाइहैलाइड कहते हैं जो यौगिक बनता है। दो हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक बनता है उसे डाइहैलाइड कहते हैं। इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए डाइहैलाइड में मुझे कुछ बातें आपको समझानी है, कुछ बातें आपको समझानी है जिसके आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा कभी कभी ट्रिक के रूप में कोई एग्जामिनर भी पूछ देता है इंटरव्यू में, तो कहीं कहीं क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज़ें आपको याद करना है। तो गाइस, अब हेलो एल्केन के जो डाई हेलो एल्केन है, इनके दो प्रकार हैं, दोनों प्रकार को अब हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि डाई हेलो एल्केन किसे कहा जाता है, वे हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन परमाणु जुड़े हैं उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। हमारे पास इसके दो प्रकार हैं, पहला एक प्रकार है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ सब लोग, CH2X2 इस प्रकार का यौगिक, CH2X2 इस प्रकार का यौगिक है आप सभी के सामने। बताइए इसे क्या कहेंगे और इसको ये कौन सा हैलोजन यौगिक है, X2 नहीं होगा, X होगा, 3 3 6 4 हाँ, ये बताइए कौन सा हैलोजन यौगिक है, क्योंकि दो हैलोजन यौगिक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसे क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से जोड़ दिए, किस तरह से, इस तरह से जोड़ दिए, ध्यान देना, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया और इस तरह से जोड़ दिया, किस तरह से, अभी मैं बता रहा हूँ, इस तरह से CH3 CH2 X2 CH X2 1 2 3 4 सही है, ये आपका है, ये आपका है, ये दो प्रकार के यौगिक हैं। एक प्रकार के यौगिक हैं जिसमें एक्स और एक्स अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, और एक प्रकार के यौगिक दोनों एक्स एक ही साथ बैठे हुए हैं। इन दोनों का नाम अलग अलग होता है, ये दोनों नाम आपको जानने की आवश्यकता है और ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, बताइए नाम जानते हैं, मैं एक बार बताया था आप लोगों को, जब 1 1 लेक्चर ले रहा था, तो इस यौगिक कहा जाता है विष कहा जाता है, या विष्णल डाई कहा जाता है, विष्णल डाई हैलाइड कहा जाता है। इस यौगिक क्या कहा जाता है, विष कहा जाता है या फिर विष्णल डाई हैलाइड कहा जाता है, विष कहा जाता है या फिर विष्णल डाई हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, नीचे वाला यौगिक है इसे जैम डाई हैलाइड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। अब इसे याद करने की ट्रिक कैसे, सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा भूल जाऊंगा तो क्या करूंगा, ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखिए विष नल या फिर विष डाई हैलाइड जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोरोना का माहौल चल रहा है आप लोगों को मालूम है, सीधी सी बात है, जो अगर दो साथ में जहाँ पे बैठेंगे, अगर साथ में बैठेंगे जैसे यहाँ पे दूर दूर बैठेंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग फ्री रहेंगे, विष रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वहीं पे ये दोनों एक साथ बैठेंगे, पूरा गला वाला जाम हो जाएगा, मतलब जैम डाई हैलाइड, जाम होने का मतलब उन्हें कोरोना हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोना के माहौल में साथ साथ बैठेंगे तो जैम डाई हैलाइड, मतलब साइज साथ में बैठे तो जाम हो गया, अब वहीं दूर दूर बैठे तो कुछ नहीं हुआ तो विष्णल डाई हैलाइड, तो जैम डाई हैलाइड विष्णल डाई हैलाइड, दोनों समझ में आया आप सभी को, इसे ये दोनों याद रखना है भाई, ये दोनों याद रखना। अगर PDF में देखना चाहते हो तो देख लो, ऐसे लिखा हुआ है PDF, मैं आपको टेलीग्राम वगैरह पे दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है, ये देखिए जैम डाई हैलाइड विष्णल डाई हैलाइड, नीचे एक ओमेगा डाई हैलाइड भी है, ओमेगा डाई हैलाइड है, देख रहे हैं आप लोग, देखो विष्णल या विष डाई हैलाइड, जैम या जैमनिल या जैम डाई हैलाइड, नीचे एक विष्णल डाई ओमेगा डाई हैलाइड है। ओमेगा डाई हैलाइड में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, नीचे क्या होता है CH2 होता है,
ये ओमेगा वाला कम पूछा जाता है, ठीक है, सी एच सी एच ये होता है, ठीक है, ये होता है। और इसमें जो यौगिक होते हैं सी एच टू सी एच टू, एक्स और एक्स इस तरह से जुड़े होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी दूरी पर जुड़े होते हैं, ये पास पास नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा दूरी दूरी पर ये दोनों यौगिक जुड़े होते हैं, किसमें, ओमेगा डाइहैलाइड में, ओमेगा डाइहैलाइड में। तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई, जैम डाइहैलाइड, विसरण डाइहैलाइड, विसरण डाइहैलाइड में क्या होता है, दूर दूर बैठा होता है, जैम में साथ साथ बैठे होते हैं, जिससे नाक कान सब कुछ जाम हो जाता है उनका, है ना, ये आपको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं ट्राई हैलाइड की, ठीक है, इसको रब करेंगे, ट्राई हैलाइड की बात करेंगे, ट्राई हैलाइड नाम से स्पष्ट है, ट्राई ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड में क्या होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर एक्स एक्स और एक्स, ये तीन परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब तीन हैलोजन परमाणु जहां पे जुड़े होते हैं उसे ट्राई हैलाइड कहते हैं, तीन हैलोजन परमाणु जहां पे जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ट्राई हैलाइड कहा जाता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा पीडीएफ की वजह से ना, यहां पे मैंने यही बताया कि यहां पे देखिए एक तो हैलोजन परमाणु ये जुड़ा हुआ है और एक यह एक यह, जहां पे तीन हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे ट्राई हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। अब टेट्रा हैलाइड एक आता है, टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड ये क्या आता है, टेट्रा हैलाइड क्या आता है, टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड में क्या होता है, कोई भी बेंजीन रिंग है, यहां ध्यान देना सभी लोग, ये आपका बेंजीन रिंग है, सिंपल है, ये आपका बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे चार परमाणुओं पर हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, चार परमाणु पर हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो इसे टेट्रा हैलाइड कहा जाता है, इसे ट्राई हैलाइड कहा जाता है, इसे टेट्रा हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों कम पूछा जाता है आपको, आपको आपको क्या है, केवल और केवल यही पूछा जाता है, कौन सा, जेम डाइहैलाइड और विसरण डाइहैलाइड, ठीक है, इसे तैयार कर लेना ना, इसे सभी लोग तैयार कर लेना ना। चलिए इसको हम रब करें, इसे हम लोग क्या करें, रब करें, इसे हम लोग क्या करें, रब करें, ठीक है, एक बार सभी लोग लिखिएगा, इसके हम हट जा रहे हैं सामने से, हो गया सभी का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक और प्रकार है, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री हेलो एल्केन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है हेलो एल्केन, कार्बन परमाणुओं से जुड़े हेलो, मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं, ठीक है, कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन संख्या के आधार पर इसे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री हेलो एल्केन, वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री हेलो एल्केन, क्या देखिए, एक तो है वन डिग्री, एक होता है टू डिग्री, एक होता है थ्री डिग्री, एक साथ समझ लेते हैं तीनों के, कुछ नहीं है इसमें, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, वन डिग्री टू डिग्री, और वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री जो होता है यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए वन डिग्री में आपका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सी एच थ्री सी एच टू एक्स, इसी का डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, केवल आपको पहचानने के लिए पूछा जाता है, तो आप पहचान सकते हो इसमें क्या होता है, जो ये हैलोजन परमाणु जो जुड़े होते हैं जिस कार्बन से, इस कार्बन को देखा जाता है, अगर यह केवल और केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उसे वन डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे, बात समझ में आया। यह जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन केवल और केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, वन डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। बात करें टू डिग्री हेलो एल्केन की, तो इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स जोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका हैलोजन परमाणु, हमें पहले हैलोजन परमाणु देखना है, फिर इसके बाद ये देखना है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, दो कार्बनों से जुड़ा है, इसे टू डिग्री कहेंगे। बात करें थ्री डिग्री की, थ्री डिग्री में क्या होता है, इसमें क्या कहता है, ये जो आपका सी एच थ्री, इसका एग्जाम्पल सी सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है, यहाँ पे एक्स, इसमें यह देखा जाता है कि ये जो हैलोजन परमाणु होता है, ये जो हैलोजन परमाणु होता है ये किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक दो तीन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे तीन डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे, इसे टू डिग्री, इसे वन डिग्री कहेंगे, ठीक है। वन डिग्री टू टू डिग्री थ्री डिग्री में आप समझ जाएंगे, कुछ नहीं करना है, जो हैलोजन परमाणु
जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है यह आपको देखकर बताना है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है यह आपको देखकर बताना है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, अगर तीन कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री और 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए अब इसके बाद हम लोग हैल्किल हैलाइड के बनाने की विधि पढ़ेंगे और यहां से आपके रिएक्शन तैयार होंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब हेडिंग करिए एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां। क्या हेडिंग करना है? एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां या हेलो एल्किन के बनाने की विधियां। और यहां से आपके एग्जाम में कुछ रिएक्शन पूछे जाते हैं, जो भी रिएक्शन मैं लिखाऊंगा उन्हीं रिएक्शन को लिखाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कोई रिएक्शन नहीं लिखाऊंगा जो आपको नहीं पढ़ना है, नहीं इंपॉर्टेंट है। तो एक एक रिएक्शन को आपको याद करना है। क्या करना है? एक एक रिएक्शन को आपको क्या करना है? याद करना है। हेडिंग करना हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। देखिए सबसे पहले हेलो एल्केन को हम लोग तीन यौगिकों से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग किसके किसके द्वारा बनाएंगे? एल्केन के द्वारा। दूसरी बात एल्किन के द्वारा, उसके बाद एल्काइन के द्वारा। इन तीन यौगिकों से हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इन्हें बनाने से पहले एल्केन, एल्किन, एल्काइन समझ लेते हैं क्या होता है। देखो वैसे तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में मतलब 11th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, और ये तो 9th से पढ़ाया जाता है कि एल्किन किसे कहा जाता है, हेलो एल्किन किसे कहा जाता है, एल्किन किसे कहा जाता है और एल्काइन किसे कहा जाता है। देखिए एल्किन जो होता है इसमें जो भी होता है, जहाँ पर मान लीजिए आपका ये CH4 इसको लेते हैं, तो इसमें जो भी यौगिक बना होता है हाइड्रोकार्बन उसमें सब हमेशा सिंगल बांड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही बांड है, बांड का मतलब ये जो जुड़ा है। ठीक है, आप एक एग्जांपल और लीजिए C2H6 का ले लीजिए, इसमें भी देखिए C यहाँ पे देखिए H इस तरह से, यानी ये जो यौगिक है इसमें हमेशा सिंगल बांड से जुड़ा हुआ है। इसका समान सूत्र अगर देखा जाए, इसका क्या होता है समान सूत्र? CnH2n+2 होता है। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने Cn क्या 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा CH के यहाँ पे क्या होगा 2+2 4 हो जाएगा। और C के यहाँ 2 रखते हैं तो क्या होगा C2 हो जाएगा। अब H के यहाँ क्या होगा 2 × 4 = 6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब CnH2n+2 ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगर आपको ये सूत्र पे फॉलो करता है समझना ये एल्केन है। समझ में आ रही है सभी को बात? अगर एल्केन की बात करते हैं, एल्केन में क्या होता है, जिससे आपका यहाँ पे C2H4 है, इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बांड होता है। एल्किन में डबल बांड होता है, एल्केन में केवल सिंगल बांड होता है। अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। क्या होता है CnH2n? यहाँ पे H2n+2 है, यहाँ पे CnH2n है, ये 2 × 4 हो गया। आप अगर यहाँ C के यहाँ 3 रख दीजिए C3H6 हो जाएगा, C के यहाँ पे 4 रखिए तो C4H8 हो जाएगा। ये सभी यौगिक जो बनेंगे एल्किन बनेंगे। तो आपको ये देखना है कि n और 2n के बीच में है। अगर आपको देखना है n+2 है तो आपका एल्केन होगा और ये एल्किन होगा। अब बात करते हैं एल्काइन का। एल्काइन में क्या होता है फार्मूला? एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का सिंबल ये होता है CH2H2। इसमें क्या होता है, इस यौगिक को लेते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बांध होता है। यहाँ पे सिंगल बांध, यहाँ पे डबल बांध और यहाँ पे ट्रिपल बांध। आप इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे सबके ऊपर क्या है, एक एक पाई घिंचा एल्केन। यहाँ पे देखिए एल्किन 2 पाई है तो यहाँ पे डबल बांध, यहाँ पे एल्काइन देखो यहाँ ज़्यादा शब्द है तो यहाँ पे ट्रिपल बांध। बात कर लेते हैं एल्केन की, एल्काइन का जो फार्मूला है ये फार्मूला कितना होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। क्या होता है CnH2n-2? आप यहाँ पे देखना 1 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए,
क्या होगा, सी टू एच टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दो रखेंगे, दो दो नहीं चार माइनस दो, ये चार माइनस दो हो जाएगा ना, तो दो होगा तो सी एच टू होगा। अगर मान लीजिए तीन रखते हैं आप लोग तो क्या सी थ्री एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन रखिए, तीन दूनी छः, तीन गुड़े दो माइनस टू, छः माइनस दो सी थ्री, सी थ्री एच फोर, सी थ्री एच फोर, सी थ्री एच फोर को कैसे बनाएंगे, सी सी सी, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक एच हो जाएगा, यहाँ पे एच टू हो जाएगा, यह आपका सी थ्री एच फोर बना है, एच थ्री हो जाएगा, यह आपका क्या सी थ्री एच पी बना है। तो इसमें क्या होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन में डबल बॉन्ड होता है, सॉरी एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉइंट समझ में आया। तो इन सभी यौगिकों से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आप सभी लोग हाइडिंग करिएगा, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ क्या, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ क्या, हाइडिंग करना एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, ठीक है, समझ में आया पॉइंट। एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। एल्केन किसे कहा जाता है, ये नहीं मैं आपके भगवान भरोसे पूछा कि आप लोग पढ़ें, अरे पढ़ें ठीक है बात है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। एल्केन द्वारा सबसे पहला क्या है, एल्केन द्वारा, एल्केन द्वारा, अब ध्यान देना सभी लोग, एल्केन द्वारा कैसे बनाते हैं, ध्यान देना सभी लोग, एल्केन द्वारा देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में तथा प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एल्केन को क्लोरीन के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एल्किन हैलाइड बनाता है। आप लिख सकते हैं प्रकाश, प्रकाश या उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति, उपस्थिति में, उपस्थिति में, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति कैसे लिखा जाएगा, प्रेजेंट लीजिए, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एक मिनट, उपस्थिति में, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, एल्केन, एल्केन हैलोजन के साथ में क्रिया करके, हैलोजन के साथ में क्रिया करके, ठीक है, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन हैलोजन के साथ में क्रिया करके, हेलो एल्केन बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं, बात समझना, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में। सर ये उत्प्रेरक क्या होता है ये मुझे बता दो, हालांकि आप लोग उत्प्रेरक पढ़े होंगे, उसका एक जो विदेशी डिफिनेशन है क्या, वे सभी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, ये पढ़े। लेकिन मेरा डिफिनेशन क्या होता है उत्प्रेरक का, ये बाबा जी होते हैं जो शादी ब्याह कराते हैं, बाबा जी होते हैं यार, कैसे बाबा जी होते हैं। अब बात ये, आप मान लीजिए अभी अभी नहीं, हो सकता है किसी का होने वाला हो, मान लीजिए आप में से किसी का शादी है, जब आप जाते हो शादी करने के लिए दो प्रकार से करते हो भाई, पहले तो सबको बता के करते हो, कभी कभी क्या करते हो गलत तरीके से कर लेते हो, मैं गलत तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, जब बता के करते हो तब, जब जाते हो तो क्या करते हो, बाबा जी को लेकर जाते हो ना, बाबा जी क्या करते हैं, शादी कराते हैं न कि शादी करते, ऐसी बात तो नहीं कि आप शादी करने के लिए गए बाबा जी को, पंडित जी को, पंडित जी खुद शादी करने लगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। अरे हुआ है क्या किसी के साथ, ऐसा हुआ है क्या कि पंडित जी को शादी करने के लिए पंडित जी कहें चलो तुम शादी मत करो मैं खुद अपना शादी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो उत्प्रेरक जो होता है ये किसी भी रिएक्शन में खुद का अभिक्रिया नहीं कराता, वह जो दो लोग होते हैं उन्हीं का अभिक्रिया कराता है और थोड़ा तेजी से कराता है, समझ में आ रही है। तो उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, इसी के चक्कर में पड़ी, उत्प्रेरक को बाबा जी समझिए, बाबा जी क्या करते हैं, पंडित जी क्या करते हैं, शादी कराते हैं, करते नहीं है कराते हैं, करते नहीं हैं कराते हैं। आप अगर किसी के साथ करेंगे, जैसे आप हैं ए और आप यक्ष के साथ में शादी कर रहे हैं, तो करेंगे तो यहाँ पे पंडित जी आएंगे मंत्र वगैरह फूंक के शादी करा देंगे, अपना खुद, ये नहीं कि अपना ही शादी करने यक्ष के साथ, ऐसा नहीं होता है। अब जो ऐसा हो जाएगा कहीं पर तो क्या ही कर सकते हो आप लोग, लेकिन पंडित जी आमतौर पर ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो पंडित जी क्या होते हैं, स्वयं की शादी नहीं करते हैं, शादी कराते हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेरक क्या होता है, स्वयं के अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल अभिक्रिया कराता है। तो पंडित जी और उत्प्रेरक दोनों बराबर हैं, अब से हम जहाँ पर भी उत्प्रेरक आएगा उसे हम पंडित जी कहेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो बात समझना सभी लोग, अब बात समझना सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हो या कोई भी उत्प्रेरक हो, इसकी उपस्थिति में हैलोजन जो है एल्किन के साथ में क्रिया करके क्या करता है, हेलो एल्किन बनाता है। जैसे आपके सामने मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो रिएक्शन CH4। अब आपको याद कैसे करना है, अपने हमने तो बता दिया सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश को H nu से लिखा जाता है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हैं। और ये क्लोरीन के साथ में अब क्रिया कर रहा है Cl2 के साथ में, तो Cl2 क्या करता है, ध्यान से ना सकते हो, Cl2 क्या करता है, Cl2 यहाँ पे जाता है, एक हाइड्रोजन को हटाता है और अपने बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3Cl बन जाता। ये कौन सा हैलाइड है, ये मोनो हेलोइल्केन है, यानी यहाँ पे केवल और केवल एक क्लोरीन है। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमने सनलाइट में ही फिर क्लोरीन के साथ में क्रिया करा दिया, फिर एक क्लोरीन यहाँ से गया और एक हाइड्रोजन को फिर से हटाया और फिर से बैठ गया, तो क्या बनेगा, CH2CL2 ये बनेगा। फिर क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, बदमाशी किया, फिर यहाँ पे सनलाइट फिर Cl2 क्रिया किया, फिर यहाँ पे आके बैठा और एक हाइड्रोजन को और निकाल लिया और यहाँ पे बचा CH Cl3, ये बचा। फिर से यही काम मान लीजिए अगर एक बार हम कर दें, तो C2 Cl2 के बाद सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में, और फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो CCl4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये अब क्रिया बनती है। ये देखिए एल्केन था, एल्केन से आपका हेलो एल्केन यहीं जब बन गया था, इसको बार बार करके देखिए, ये आपका कौन सा मोनो हेलो एल्केन है, ये डाई हेलो एल्केन है, ये कौन सा एल्केन है, ट्राई हेलो एल्केन है, ये टेट्रा हेलो एल्केन है, समझ में आ रही है। तो हेलो एल्केन के जितने भी प्रकार है सब के सब प्रकार यहाँ से एल्केन से बन गया है, और ये रिएक्शन आप सभी के एग्जाम में पूछता है, इस तरह से सनलाइट में क्रिया होती है। देखो दूसरी बात यह कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह जरूरत नहीं कि रिएक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए, आप जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरा रिएक्शन कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आप यहां पे ये Cl2 के बाद और एक Cl क्या करेगा, ये सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको ये लिखना है डायरेक्ट, ठीक है, ये होता है। एक और विधि है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, वह विधि है सल्फ्यूरिक क्लोराइड के द्वारा। अब ध्यान देना सभी लोग, इसे एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसे कमेंट कीजिए रिएक्शन को, या अपने कॉपी पे लिखिए तभी आपको याद होगा। अब देखिए सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ किसे क्रिया होती है, आपके सामने सल्फ्यूरिक क्लोराइड किसे कहा जाता है, SOCl2 को सल्फ्यूरिक क्लोराइड कहा जाता है। इसी क्रिया अगर हम CH4 के साथ में कराएं, इसकी क्रिया किसके साथ में कराएं, CH4 के साथ में कराएं, ठीक है, इसकी क्रिया CH4 के साथ में कराएं, तो कैसे क्रिया होगी, क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो। बताइए जरा तो, बताइए जरा, ये SO2Cl2 होगा, ठीक है, कैसे क्रिया होगी, अब ध्यान देना यहां से। अब देखिए इसमें क्या होता है, सीधी सी बात, आपको क्लोरीन को देखना है, ये क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को हटाकर अपने आके बैठ जाएगा, CH3Cl बना देगा। आपको केवल एक ही चीज ध्यान देना है, ये क्लोरीन यहां पर आके बैठेगा। अब बात करते हैं ये जो SO2 है, SO2 बाहर निकल जाता है अकेले, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। बचा हुआ HCl, बचा यहाँ पे देखिए दो Cl है, एक Cl तो आपका यहाँ पे आके बैठ गया है, एक Cl ये बचा हुआ है। अब यहाँ से बेचारा एक हाइड्रोजन बाहर जो निकला था, ये दोनों कहें हम लोग तो अकेले बैठे हैं, आइए हम लोग साथ में मिलकर बैठते हैं और HCl बना देते हैं। अरे समझ में आ रहा सभी को, कुछ नहीं करना है, ये CH4 है, इसे मेथेन कहा जाता है, या SO2Cl2 जिसे आप लोग सल्फ्यूरिक क्लोराइड कहते हो, इसके साथ में एक क्रिया कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, ये क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन को बाहर निकालता है और अपने आके बैठ के CH3Cl बना देता है, और जो यहाँ पे बचता है क्या बचता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है, ये यहाँ से एक दो क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन बैठा ना वहाँ पे, एक क्लोरीन जो बचता है, ये दोनों कहते हैं हम लोग साथ में अकेले क्यों बैठे हैं, और हम लोग साथ में बैठ के HCl बना देते हैं। और ये SO2 तो भाई गैस है, गैस तो खोलते ही ऊपर बाहर निकल जाता है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक क्लोराइड के द्वारा आप लोग बना लेते हैं हेलो एल्केन। देखो भाई रिएक्शन है, रिएक्शन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वैसे मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, मेरे बातों को बार बार सुनोगे तो चीज़ें याद रहेंगी,
आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए, ये दो विधियाँ हैं आपको हेलो एल्किन से एल्किल हैलाइड बनाने की। इसके अलावा कोई भी विधि आपको किताब में कितना भी दिया हो नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट से। ठीक है, अब हेडिंग करिए एल्किन से कैसे बनाते हैं। एल्किन से तो हो गया, एल्किन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्किन। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। एल्किन से तो हो गया, हेलो एल्किन से कैसे बनाएंगे ये आप हेडिंग करिएगा। हेडिंग करिएगा एल्किन से, एल्किन से एल्किन से एल्किन से कैसे बनाते हैं, किसी एल्किन से कैसे बनाते हैं। देखिए एल्किन की अपक्रिया, एल्किनों की अपक्रिया जो होती है एल्किनों की अपक्रिया जो होती है ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अंधेरे में अपक्रिया जो है अंधेरे में कम ताप पर हाइड्रोजन हैलाइड HX लिखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर, X का मतलब यहाँ पे आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, HS के साथ में। देखिए एल्किनों की अपक्रिया अंधेरे में कम ताप पर HS के साथ में कराने पर हेलो एल्किन प्राप्त होता है, हेलो एल्किन प्राप्त होता है। बात समझना सभी लोग यहाँ पे, एल्किनों की क्रिया अंधेरे में कम ताप पर हाइड्रोजन हैलाइड HS के साथ में कराने पर हेलो एल्किन प्राप्त होता है। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसी क्रिया हमने HS रख दिया। HS का मतलब कोई भी तत्व हो सकता है, H का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कोई भी ले सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके साथ में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, ये क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन है आकर यहाँ पे जुड़ जाता है इन दोनों में से कहीं, और एक एक्स जो है आकर यहाँ पे जुड़ जाता है, आपका हो जाता है CH2X। यानी यहाँ पर आपका एक बांड कम हो जाएगा, अगर दो तत्व तो यहाँ पे जुड़ते तो एक बांड कम हो जाएगा। तो ध्यान देना इसमें से एक एच यहाँ पे जुड़ता है, एक एच यहाँ पे जुड़ता है। ये तो सिंपल विधि है आपको इस तरह से तत्व बनाने, समझ में आ रहा है सभी को। अब मान लीजिए ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये यौगिक है, अगर यहां पर आपको HS के साथ में क्रिया करानी है तो बताइए जरा, सबसे पहली बात कि अगर इसकी क्रिया अगर हम लोग अंधेरे में कम ताप पे कराते हैं तो इसमें से H और S आकर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा, या तो H यहां पर जुड़ेगा या H यहां पर जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा या फिर H यहाँ पे जुड़ेगा, दो प्रॉब्लम है। सर कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे तो दोनों सेम ही था लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंस है, अगर H यहाँ पे जुड़ता है जिसका मतलब कुछ और हो जाता है, यहाँ पे जुड़ता तो कुछ और हो जाता है, यहाँ पे दोनों सेम ही, यहाँ पे क्या दोनों सेम था लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंस है। आप सोचिए यहाँ पर अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ने का मतलब अगर यहाँ पे जुड़ता तो डबल, यहाँ पे क्या दो डिग्री हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जुड़ता तो सिंगल डिग्री होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन के साथ जुड़े, यहाँ पे जो कार्बन है दो कार्बन के साथ जुड़ा है। तो भाई साहब ये यच कहेगा तू जा यहाँ पे डबल पार कार्बन जुड़ो, ये यक्ष कहेगा तू जाके जुड़ो, ये दोनों आपस में मार कर रहे थे कि मुझे जुड़ना है यहाँ पर, क्योंकि डबल कार्बन मतलब दो लोगों के साथ में जुड़ने से मजा कुछ और आता है ना, यहाँ पे जुड़ने का मतलब ये इसके साथ में जुड़कर यहाँ पे कुछ इफेक्टिव प्रभाव देखेगा। बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ पर क्या था, इधर से भी बंद था, इधर से मतलब यहाँ पे मजा आता दो कार्बन के साथ में बैठने में, इसका मतलब कुछ और होता, लेकिन फिलहाल मैं यही समझिए यहाँ पे बैठने में मजा आता क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन की आसपास में थे। तो यच और यक्ष में झगड़ा होने लगे, जब यच और यक्ष में झगड़ा होने लगा तो एक मार्कोनी दादा थे, कौन थे, मार्कोनी दादा, अरे चचा मार्कोनी याद करो, चचा मार्कोनी थे, चचा मार्कोनी जो थे मिर्जापुर वाले मार्कोनी
कौन थे? मार्कोनी चचा। कौन थे भाई? मार्कोनी चचा थे। उन्होंने एक नियम बता दिया कि हाइड्रोजन वाले को कहां बैठना है। उन्होंने यह बताया कि अबे हाइड्रोजन सुन, फालतू की बात करते हो, तुम्हारी औकात क्या है? उसने कहा तुम्हें इन दोनों कार्बन में उन्हीं कार्बन के साथ में बैठना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहीं पे तुम बैठेगा। अरे यार अपने अपने जात बिरादरी में बैठेगा ना, क्यों इसके अकेले वाले के यहां बैठ रहा? हाइड्रोजन से कहा तूने उसी हाइड्रोजन के साथ में बैठना, तुझे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहीं पे जाकर तुम्हें बैठना है। कहां पे बैठना है? हाइड्रोजन की संख्या जहां पे अधिक होती है वहीं पे जाकर तुम्हें बैठना है। ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन से क्या कहा? हाइड्रोजन कहा तुझे वहीं बैठना जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है। तो कहां पे अधिक है? ये डबल बॉन्ड देखना, इसे मत देखना, ये दोनों डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इससे जो डबल बॉन्ड से जुड़ा जो है उसी को आपको ध्यान देना है। एक यह है, एक यह है। कहां पे आपके हाइड्रोजन अधिक बैठे हैं? कहां पे हाइड्रोजन अधिक बैठे हैं बताइए? यहां पर बैठे, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बचा हुआ एक्स यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? यहां पर देखो, पहले तो दो कार्बन था, अब दो हाइड्रोजन था, अब एक और हाइड्रोजन आएगा, तो ये तीन हाइड्रोजन हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे X हो गया, फिर यहाँ पे CH3, ये यौगिक बना है। अब इसका इफेक्ट कुछ और था, मार्कोनी चाचा यहाँ पे ये डबल टू डिग्री है, ये दो प्लस आई इफेक्ट से मतलब अस्थायित्व तो है, इसलिए यहाँ पे ये होता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है इसलिए ये अधिक अस्थायी होता है, इसलिए ये यौगिक बनता है। लेकिन अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि 11th में समझे होते तो यहाँ पे समझ में आता, तो मुझे ये मार्कोनी चाचा का नियम नहीं बताना होता। ठीक है, तो अपने आप समझ में आता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मार्कोनी चाचा ने क्या बताया था, कि हाइड्रोजन को वहीं पे बैठना, हाइड्रोजन वहीं बैठता है, वहीं बैठता है हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? अधिक हो। जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होता? अधिक होता है। हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? अधिक होता है। हाइड्रोजन केवल उसी कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अधिक होता है। हाइड्रोजन उसी कार्बन परमाणु से जुड़ता है, इन दोनों में से उसी कार्बन परमाणु जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या अधिक है। यहां पे दो कार्बन है तो इसी यहीं पे आके हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहां पे कम नहीं जुड़ेगा। जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होता है उसी कार्बन से जुड़ता है, उसी कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, ये मार्कोनी चाचा ने बताया था। कौन बताया? मार्कोनी चाचा ने बताया था कि हाइड्रोजन उसी कार्बन से जुड़ेगा जहां पे कार्बन हाइड्रोजन संख्या ऑलरेडी है, अधिक है। ये दोनों मार कर रहे थे, वो कर रहे थे मुझे यहाँ बैठना, ये कह रहा मुझे यहाँ बैठना। तो फाइनली उन्होंने नियम लगाकर इनको संतुष्ट कर ही दिया। अब इन दोनों का अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, यस के यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन के रूप में एग्जांपल। ठीक है, पहले वाले का एग्जांपल लिख रहा हूँ, लिखे मान लेते ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी क्रिया हम HCl से करा रहे हैं। तो HCl से जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ये एच और सीएल, ये तो यहाँ पे दोनों सेम ही है, यह भी CH2 ये भी CH2, तो चाहे जहाँ आके जुड़ जाता है। यहाँ पे CH3 एक जुड़ेगा तो यहाँ पे दो से तीन हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड CL, CH2 CL। अब भाई देखना यहाँ पे दोनों जगह एक एक कार्बन हाइड्रोजन परमाणु CL परमाणु जुड़ेंगे तो यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको यह प्रोडक्ट दिया है CH2 यहाँ पे इस तरह से CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से क्रिया आपको HCl से करानी है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जरा सोचिए। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे मार्कोनी काप का नियम लगेगा, यहाँ से H कहेगा मैं यहाँ पे बैठूंगा, ये कहेगा मैं यहाँ पे बैठूंगा, क्योंकि ये दो कार्बन से प्रोटेक्टेड है भाई, दोनों ओर से जहाँ साइडों मिलेंगे वहीं पे बैठना पसंद करोगे। ठीक है, ये कहेगा मैं यहाँ बैठूंगा, ये कहेगा यहाँ बैठूंगा। तो मार्कोनी चाचा ने एक नियम बताया था, याद करेंगे मार्कोनी चाचा का नियम। मार्कोनी चाचा ने क्या बताया था? अबे हाइड्रोजन तू अपने औकात में रह, तुझे वहीं बैठना है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा बैठे हुए हैं। इन दोनों में से आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन, ये CH हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन पहले से कहाँ ज़्यादा बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या यहाँ पे बैठे हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन से देखना है, दूसरे बार कार्बन से नहीं। तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है CH2 यहाँ से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा CH3 CH, और ये CL यहाँ पे जुड़ेगा और CH2 और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब ये CH3 हो जाएगा।
ये यौगिक बनेगा, ठीक है, ये हेलो एल्किन है। तो एल्किल हैलाइड से ये बनाने की विधि हो गई। और एक और नियम है जो मुझे बताना है, एंटी मार्कोनी काप का नियम। एक एंटी मार्कोनी काप के नियम थे, एंटी मार्कोनी काप का नियम, जिसे हम लोग खरास इफेक्ट, खरास प्रभाव भी कहते हैं। एंटी मार्कोनी काप या खरास प्रभाव भी कहते हैं। एंटी मार्कोनी काप का नियम या खरास प्रभाव क्या होता है, इसमें ध्यान देना सभी लोग, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ता है। भाई एंटी मार्कोनी मतलब इसका उल्टा, ठीक है, ये समझ में आएगा। तो एंटी मार्कोनी का मतलब ये होता है, यह हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है उसी कार्बन परमाणु से जुड़ता है, यानी यहां पे जस्ट उल्टा होता है। लेकिन ये इसमें जो क्रिया होती है ये पराक्साइड की उपस्थिति में होती है। अगर जहां पर भी आपको पराक्साइड लिखा हो तो वहां पर ये क्रिया आप कराओगे। इसमें हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और एक्स इससे जुड़ेगा। यहां पर इसका उल्टा होगा, यहां पर एक्स एक्स इससे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। बात समझ में आए? तो मार्कोनी काप के नियम में क्या होता है, हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या पहले से अधिक होती है। एंटी मार्कोनी काप के नियम में क्या होता है, हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या पहले से कम होती है। ये पॉइंट समझ में आए? मार्कोनी काप, एंटी मार्कोनी काप का नियम समझ में आए? मार्कोनी काप में क्या होता है, हाइड्रोजन, मार्कोनी चाचा ने बताया था, हाइड्रोजन उसी परमाणु से जुड़ता है डबल बॉन्डेड कार्बन में जहां पर हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, जबकि एंटी मार्कोनी काप में जस्ट इसका उल्टा है जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है। ये तीन रिएक्शन थे, तीन प्रकार के रिएक्शन, तीनों अगर आपको समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग। अब सीटी की आवाज़ आ रही तो परेशान मत होना, मुझे भी खाना खाना होता तो कोई ना कोई खाना बना रहे हैं, ठीक है। ये नहीं सर सीटी की आवाज़ आ रही है, सुनाई तो दे रहा है ना मेरा आवाज़, ये दो बार सीटी की आवाज़ आ रही है, सुनी लो, मन करे तो आ जाओ खाने के लिए, खिलाऊंगा यार। आप लोग तो मेरे परिवार के हो, मेरे छोटे भाई बहन हो। हाँ देखो एल्केन, एल्केनों के द्वारा कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ, पीडीएफ ले लेना आप लोग टेलीग्राम से। एल्किनों के द्वारा कैसे बनाया जाता है ये लिखा हुआ है। मार्कोनी काप का नियम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसी तरह देखो यहाँ पे एंटी खरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, खरास इफेक्ट या पराक्साइड, इसमें हाइड्रोजन वहाँ से जुड़ता है पराक्साइड की उपस्थिति में जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है, जबकि मार्कोनी काप में हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो ये दोनों आप डिफरेंस याद रखना। अब एल्काइनों से हम लोग समझ लेते हैं कि एल्काइनों से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एल्काइनों से समझ लेते हैं, अभी आप लोग इसे देख लीजिए ना। अब हेडिंग करेगा एल्काइनों से, ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे मुझे मालूम है, समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आया होगा आप लोगों को, एल्काइनों से कैसे बनाते हैं, एल्काइनों से समझ जा सकते, एल्काइनों से एल्काइनों से कैसे बनाते हैं, एल्काइनों से कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन क्या होता है, एल्काइन में जो होता है यौगिक क्या होता है, डबल ट्रिपल बॉन्डेड होता है। एल्काइन में जो यौगिक होता है ट्रिपल बॉन्डेड होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें भी वही स्टेटमेंट है, जब एल्काइनों की क्रिया, एल्काइनों एल्काइनों की क्रिया, एल्काइनों की क्रिया किसके साथ कराते हैं, हैलोजन हैलाइड HS के साथ भी करते हैं, जहाँ पे X क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। एल्काइनों क्रिया HS के साथ में जब हम कराते हैं तो क्या होता है, वो भी ये कराते हैं क्रिया HS के साथ में, के साथ में अंधेरे में, अंधेरे अंधेरे में कम ताप पर कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्काइन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्काइन प्राप्त होता है। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
ये आपका एल्काइन है, इसकी क्रिया हम लोग एच एस के साथ में करा रहे हैं अंधेरे में कम ताप पर, ठीक है। तो क्या होगा, एक एच यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एच यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, डबल बांड है तो दोनों पे जुड़े हैं इसलिए एक बांड कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एच एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एच एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बार फिर से इसका क्रिया एच एस के साथ में करा दें, एच एच के साथ में, तो दोबारा यही क्रिया होगा, एक एच यहाँ पे जुड़ेगा, एक एच यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, सी एच, ये मान लीजिए देखिए दो एच जुड़ेगा, एक एच पहले जुड़ा है, एक एच और जुड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, क्योंकि एक एच पहले से है, तीन एच हो जाएंगे तो सी एच थ्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे एक्स पहले से था, एक एक्स और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी एच एक्स टू हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ढूंढता है, मतलब एल्काइनों से क्रिया कराने पर एच एस के साथ में क्रिया कराते हैं कम ताप पर, कम ताप पर, कम ताप पर, अंधेरे में जब क्रिया कराते हैं, अंधेरे में क्रिया, ये सब क्रिया रातों में होती है दिन में नहीं होती है, क्रिया रातों में होती है भाई, और रातों में मतलब ये चोरों वाला क्रिया है, चोर भाई रात में ही चोरी करते हैं, नहीं यार इसमें चोर मॉडर्न हो गए, दिन में भी कर लेते हैं ना, तो क्या बताएं अब चोरों की, हम चोरी की तो बात अलग है, अब तो चोर ऐसे हो गए हैं कि दिन में आपसे ओटीपी पूछ कर आप पैसे चोरी कर ले रहे हैं ना, तो ये सब क्रिया कहाँ पे होती है, रातों में होती है भाई, एल्केन एल्केन एल्काइन जो है रातों में क्रिया करते हैं, खतरनाक आदमी है ये सभी, कैसे आदमी, खतरनाक आदमी है भाई, अजीब अजीब आदमी है भाई, गजब बेचती है यार, रातों में क्रिया करते हैं ना, तो ये क्रिया कब होती है, रातों में होती है, और इसमें क्या होता है, सी एच सी एच, आप यक्स के साथ में आपने क्रिया किया तो क्या है, यक्स यहाँ पे जुड़ा और यक्स यहाँ पे जुड़ेगा, जुड़ गया, अब चूंकि दो कार्बन है, दो जुड़ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, सिर्फ फिर से एक्स के साथ कराते, एक यहाँ पे तीन, देखिए दो तो पहले थे, एक ये तीन हो जाएगा और यहाँ पे एक्स टू हो जाएगा ना, अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं आप सभी लोग कि सी एच प्लस एच सी एल, ये क्रिया कराने की, ठीक है, तो क्या होगा, सी एच एच हो जाएगा, सी एच सी एल हो जाएगा, फिर से इसकी क्रिया एक बार और कराएँ एच एस के एच सी एल के साथ में, क्या होगा, सी एच थ्री सी एच सी एल टू हो जाएगा, मतलब एक्स आपका एग्जाम्पल रख के बताया कि ऐसा भी रिएक्शन लिख दिया, तो दो रिएक्शन लिख दिया, तो एल्केन एल्किन एल्काइन से हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया आपका हेलो एल्केन, अब हमें बनाना है किसके साथ में, अब हमें बनाना है है आपका एल्कोहल के साथ में, ठीक है, अब हम लोग एल्कोहल के साथ में हेलो एल्किन की बनाएंगे, एल्कोहल के साथ में बनाएंगे, किसके साथ में बनाएंगे, एल्कोहल के साथ बनाएंगे, आपको रिएक्शन याद हो रहे हैं ना, रिएक्शन को सभी लोग लिखिएगा, रिएक्शन को सभी लोग लिखिएगा, ठीक है, लिख लिए सभी लोग, चलिए ठीक है, रातों वाली क्रिया को बंद करते हैं, अब दिन वाली क्रिया करते हैं ना, अब एल्कोहल के साथ में करते हैं, एल्कोहल भाई कौन होते हैं, साज वाली क्रिया, एल्कोहल पी के शाम को सब लोग लोटे होते हैं, इसमें बताओ कौन कौन एल्कोहल पीता है, मतलब दारू कौन कौन पीता है जरा बताओ, तो हमारे कोई स्टूडेंट हैं जो दारू पीते हैं, नहीं पीते होंगे मुझे मालूम है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं और नहीं पीना चाहिए, पियोगे मैं प्रकट हो जाऊँगा और ख़तरनाक तरीके से मारूँगा आप लोगों को, बहुत ही खतरनाक तरीके से उल्टा पुल्टा करके मारूंगा, गलत चीज़ है यार, ये सब नहीं पिया जाता, इसे लीवर खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, फिर घूमते रहना मांगते रहना अपना लीवर दे दो, अपना लीवर दे दो, ठीक है, चलो ठीक है, अब हेडिंग करना एल्कोहल के साथ में क्रिया, एल्कोहलों के द्वारा, एल्कोहलों के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है, ये बात ध्यान देना सभी लोग, एल्कोहलों के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है, देखिए कोई भी एल्कोहल है आप सभी के पास, कोई भी एल्कोहल है आप सभी के पास, ठीक है, उसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं मालूम है आप लोगों को,
पहली तो क्रिया आपका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखाने जा रहे हैं एल्कोहलों की। पहले सबसे पहले एल्कोहल क्या होता है ये जान लो, ठीक है। एल्कोहल क्या होता है, ये आर के साथ अगर ओ एच जुड़ा हो, जिसे यहाँ पे सी एच थ्री के साथ ओ एच जुड़ा हो तो इसे एल्कोहल कहा जाता है। इसी तरह से सी टू एच फाइव के साथ ओ एच जुड़ा हो तो इसे एल्कोहल कहा जाता है। जहाँ पे सी एल जुड़ा था, जिसे यहाँ पे सी एच थ्री सी एल था, इस सी एल के जहाँ पे ओ एच कर दें तो जो यौगिक बनता है उसे एल्कोहल कहते हैं। इतना ही समझो, आगे एल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर है वहाँ पे और अच्छा से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ओ एच जहाँ पे रहेगा उसे एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या ध्यान देने की बात है आपको, आपको यह ध्यान देने की बात है एल्कोहल के द्वारा कैसे किया जाता है, बनाया जाता है। सबसे पहला एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल की क्रिया SO2 Cl2 के साथ, एल्कोहल की क्रिया आप लिखिए क्या, थायोनील क्लोराइड के द्वारा, थायोनील क्लोराइड के द्वारा। अब थायोनील क्लोराइड किसे कहा जाता है, SOCl2 को थायोनील क्लोराइड कहते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया RCl ROH की क्रिया SO2Cl2 के साथ हम कराते हैं तो क्या होता है, जानते हैं, सीधी सी बात है, ये जो Cl है, ये जो Cl है आकर यहाँ से जुड़ जाएगा और ये OH बेचारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो RCl बन जाएगा, ठीक है। और जो OH है इसमें से क्या होता, यह O जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये SO2 बाहर निकाल देता है, ठीक है। और साथ में जो H बचता है और यहाँ पे एक Cl बचा हुआ था, इस एक Cl के साथ में क्रिया करके ये Cl बना देता है। यह आपकी क्रिया होती है। यह क्रिया कैसे होती है, कब होती है, ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। देखिए, जब थायोनील क्लोराइड, जब आप लिखेंगे यहाँ पर, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ, जब एल्कोहल, एल्कोहल को हम आर ओ एच लिख दे रहे हैं, ठीक है, की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ, थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती। देखिए, एल्कोहल क्रिया थायोनील के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखना, ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या है, इस अभिक्रिया को डार्जिन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डार्जिन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछता है डार्जिन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो जो यौगिक, जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन बनता है। और इस पूरी रिएक्शन को डार्जिन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किया है, मैंने आपको बताया कैसे यौगिक बनाए। ध्यान से समझना, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आर ओ एच की हम सी एच थ्री, हम क्या ले रहे हैं, सी एच थ्री सी एल ले रहे हैं। इस सी एच थ्री सी एल की क्रिया, सी एच थ्री ओ एच की क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। इस सी एच थ्री ओ एच की क्रिया हम लोग एसओ सी एल टू के साथ में करा रहे हैं तो कैसे क्रिया होगा, ये पिरिडीन की उपस्थिति में होगी। इसमें अभी स्याही भरेंगे, आप लोग लिखना, ठीक है। पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो कैसे होगी क्रिया, ध्यान देना सभी लोग। यहाँ से आपको मालूम है कि ये क्रिया करके आपका एल्किल हैलाइड बनता है, ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही में चार पाँच रिएक्शन केवल लिखा रहा हूँ। रिएक्शन अगर आप किताबों में 10, 12, 15, 20 रिएक्शन दिए हैं, लेकिन आपको केवल मैं 4 से 5 रिएक्शन लिखा रहा हूँ, इसका मतलब आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और अभी मैं करता हूँ, आपको इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं एक एक रिएक्शन याद करा दूंगा। अभी तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो जरूर आना, उसमें इतनी बार रिएक्शन को ला दूंगा याद हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ तेजी से सिलेबस कंप्लीट हो, इसलिए मैं एक साथ लंबी क्लासेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना सभी लोग, सी एच थ्री ओ एच है, इसमें क्या, ये क्लोरीन जो है एक इसके आके जुड़ जाएगा इसके साथ, क्योंकि आपको याद है, मालूम है कि जो ये एल्कोहल है इससे आपको हेलो एल्केन ही बनाना है। तो सी एच थ्री सी एल ये आप बना दोगे, आपको पहले से याद होना चाहिए हमें बनाना क्या है, वो प्रोडक्ट बना देना। अब क्या बचता है यहाँ पे, ये ओ एच बेचारा अकेले बचता है, यहाँ पे एक क्लोरीन बचता है और एसओ बचता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, ये एसओ है, एक ऑक्सीजन को लेकर एसओ टू गैस बाहर निकाल देता है। भाई गैस है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एसओ टू बाहर निकल गया, ठीक है। बचेगा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये साथ में मिलकर एससीएल बना देगा। अरे बोलो, रिएक्शन याद हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
बोलो, रिएक्शन याद हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम थोड़ा स्याही भर लें। हम स्याही भर लें जरा। ठीक है, हम हो गया, लिख लिया आप सभी लोग, हम भी स्याही भर लिए ना। अब चलिए, अब हम लोग किससे, एल्कोहल से एक और विधि है प्राप्त करने की, उससे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पूछा जाता है कभी कभी। अगर आपसे केवल पूछे कि दार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये क्रिया लिखकर दिखाओगे। अगर आपसे ये पूछे कि एल्कोहल से कैसे प्राप्त करोगे, तब पर भी यह क्रिया लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये रिएक्शन याद नहीं आता दिमाग में, इसलिए मैं एल्कोहल से एक दो रिएक्शन लिखा देता हूँ। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखा देता हूँ एल्कोहल के साथ में। एक और रिएक्शन है जिसमें आप एल्कोहल के साथ में कराओगे। देखिए, एक रिएक्शन है आपकी क्रिया PX3 या PX5 के साथ में, PX3 या PX5 के साथ में क्रिया करके एल्कोहल आपका हेलो एल्केन देता है। PX3 या PCl5 के साथ में क्रिया करके एल्कोहल हेलो एल्केन देता है। मेरी बात समझना सभी लोग, सुनना ध्यान से। PX3 या PCl5 के साथ में अभिक्रिया करके एल्कोहल हेलो एल्केन देता है। ठीक है, PX3 या PCl5 के साथ में क्रिया करके एल्कोहल हेलो एल्केन देता है। बात समझ में आ रही, कैसे देता है ध्यान देना। इसमें मैं PX5 वाला PDF में लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि ये कम पूछता है, थोड़ा मोड़ा कभी पूछा तो ये वाला पूछा है। ध्यान देना कैसे होता है। देखिए, ROH ये आपका एक रिएक्शन है, ठीक है, एल्कोहल है, इसकी क्रिया हमने PX5 के साथ में करा दिया, PX3 के साथ में हमने ये, देखिए 3 है तो इसको भी मैं 3 ले लिया ताकि रिएक्शन करने में आसान हो। वैसे यहाँ पे कोई संतुलित करने का कोई रो नहीं होता, ठीक है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, R और S, आपको RX ही बनाना है तो RX बना दीजिए। क्यों आप लोग बैठे हो, 3RX, ठीक है। अब बचता क्या है, P बचता है और 3OH बचता है, 3OH बचता है और यहाँ पे P बचता है, तो क्या बना देगा यहाँ पे क्या बनाएगा मालूम है आप लोगों को, यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पर आपसे क्या बनाएगा पता है, H3PO3 बनाएगा, H3PO3 बनाएगा, मतलब वही चीज़ें आपको ये लिखना है। ठीक है, तो मैं ये रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया चलिए आप फिर से समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पे CH3OH ले रहे हो, OH ये है, और इसी क्रिया PCl3 के साथ में करा रहे हो, तो क्या होगा, कैसे क्रिया होगी। अब ध्यान देना सभी लोग, जब PCl3 के साथ में इसकी क्रिया कराएंगे तो ये इसमें ये है आपका जो CH3 है और ये Cl है, ठीक है, ये आपस में क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CH3Cl बना देंगे, ये जरूरत नहीं कि इसे आप लोग संतुलित करो, अगर करना चाहते हो तो कर लो, ये 3 बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, CH3Cl और यहाँ पे 3OH बचे हैं और यहाँ पे P बचा है, तो ये आपस में मिलकर H3PO3 बना देगा, H3PO3 बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से PX3 के साथ में ये अभिक्रिया बनता है एल्कोहल से करने के बाद, फिर मतलब हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्रिया, मैं आपको PX5 वाला भी करा देता हूँ एक, हो सकता है कुछ लोगों के अंदर दिमाग में आए सर PX5 वाला आपने नहीं कराया, ठीक है, करा देता हूँ, वैसे पूछा कम जाता है। देखिए, PX5 के साथ में ROH है, ये PX5 के साथ में क्रिया करके, या आप PCl5 कर लीजिए डायरेक्ट, PCl5 के साथ में क्रिया करके क्या बनता है, देखिए RCl बनाता है, RCl के अलावा आपके साथ क्या क्या बनाता है, POCl3 और HCl बनाता है, इसे याद कर लेना सभी लोग। ठीक है, इस तरह से बनाता है RCl, POCl3 और HCl बनाता है, इस तरह से P
PX5 के साथ में अभिक्रिया करके, ठीक है। तो एल्कोहलों के साथ में अभिक्रिया करके PX3, PX5 इस तरह से रिएक्शंस, इस तरह से अभिक्रियाएं देती हैं। एल्कोहलों के साथ में क्रिया करके PX3, PCl5 इस तरह से अभिक्रियाएं देती हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखाने जा रहा हूँ, हुंस डीकर रिएक्शन। उसके बाद बनाने की विधि कंप्लीट होगी, उसके बाद रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, बनाने की विधि कंप्लीट होगी और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, बनाने की विधि कंप्लीट होगी और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। हो गया। अब आप लोग हेडिंग करिएगा मोस्ट, फिर से मोस्ट, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हुंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये रिएक्शन याद हो रहे हैं ना? अरे आप लोग कमेंट कर रहे हो कि नहीं, सो गए हो क्या? कमेंट किया करो यार। रिएक्शन हुंस डीकर रिएक्शन, हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होता है? हुंस डीकर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ध्यान देना सभी लोग। देखिए, आपको जो चीजें मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत करना है, तुरंत करना है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हुंस डीकर वाला। इसमें मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा, इसको तुरंत के तुरंत आपको कमेंट करना है। देखिए, इसमें क्या होता है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या एल्किल हैलाइड बनता है? वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर CCl4 की उपस्थिति में क्या गर्म करने पर, आप सभी लोग लिख रहे हो ना, गर्म करने पर क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है, केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम लोग हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। वसा अम्ल क्या है? RCOAG, ये वसा अम्ल है, इसके सिल्वर लवण, वसा अम्ल का ये सिल्वर है, इसकी क्रिया, वसा अम्ल का ये सिल्वर लवण है, इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ में, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, हम ब्रोमीन के साथ में लेते हैं, ठीक है। वसा अम्ल का सिल्वर लवण अगर याद नहीं हो रहा तो अभी याद कर लो, आगे आपको फिर से आएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, ये ब्रोमीन के साथ में Br2 के साथ में CCl4 की उपस्थिति में यह क्रिया कर रहा है, किसके उपस्थिति में क्रिया कर रहा है? CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, तो आपको पता है क्या बनेगा, पहले RBr बनाएगा, RBr बनाएगा, इसके बाद देखना ये CO2 है, CO है, ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे Ag बचता है। अब ध्यान देना, ये आपका Ag बचा हुआ है, ठीक है, ये R एक Br के साथ में RBr बना लिया है, CO2 आपका बाहर निकल गया है, और यहाँ पर एक Br बचा है, ये Ag और ये Br आपस में मिल जाएंगे, AgBr बनाएंगे, Ag और Br आपस में मिलेंगे और AgBr बनाएंगे, और ये आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा। Ag और Br आपस में मिलेंगे, AgBr बनाएंगे, और ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है हुंस डीकर रिएक्शन, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब क्लोरीन के साथ में लिखना है तो क्लोरीन के साथ में भी लिख सकते हैं, RCOAg+Cl2 इसके साथ में लिख सकते हैं, CCl4 RCl+CO2+AgBr लिख सकते हो,
अरे क्लोरीन के साथ में वही होगा जो क्रिया उसके साथ होगा, सेम टू सेम, ये CO2 बाहर निकल जाएगा। देखो भाई कहीं पर भी रिएक्शन में SO2 लगे या SO लगे तो वहाँ से आपको सीधे सीधे SO दिखाई देते ही आपको ये समझ लेना कि SO2 के रूप में ये बाहर निकलेगा। गैस को कोई बांध कर नहीं रखता है, गैस अपने आप बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को एक एक रिएक्शन याद हो रहा है। RCOAG का क्रिया और Br2 के साथ में कराते हैं तो एक Br2 आकर R के साथ जुड़ जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है, क्योंकि गैस इसको बांध कर तो नहीं रखते और AG जो है AgBr बना लेता अकेले अकेले। यहाँ पर आपको पूरी विधियाँ कंप्लीट होती हैं जो आपको हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ हैं। अब हम लोग हेलो एल्केन के रासायनिक गुण धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन के रासायनिक गुण धर्म पढ़ेंगे, ठीक है, और ये PDF में पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। PDF में टेलीग्राम पर दे दूंगा और ऐप में जो हम लोग बनाए हैं ये पूरा, ठीक है, यहाँ से अब ये पूरा रिएक्शन हो गया दीकर वाला, ये डाजन अब क्या हो गया। अब हेलो एल्केन की सामान्य गुणधर्म ये पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म ये बनाने की विधियाँ कंप्लीट हुआ। सामान्य गुणधर्म, हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म क्या होता है? हेलो एल्केन का सामान्य गुणधर्म, देखिए सामान्य गुणधर्म हेलो एल्केन के क्या होते हैं, पहला गुणधर्म क्या होता है? जो हेलो एल्केन होते हैं ये जल में कम विलेय होते हैं, जल में क्या होते हैं, कम विलेय होते हैं, ठीक है, जबकि कार्बनिक यौगिक जिसे आप लोग ईथर को हो सकता है, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें अधिक विलेय होता है, मतलब जल में कम विलेय होते हैं जबकि कार्बनिक यौगिक में अधिक विलेय होता है, कौन? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो होता है जल में कम विलेय होता है जबकि कार्बनिक यौगिक में अधिक विलेय होता है। और हेलो एल्केन के क्वथनांक का क्रम क्या होता है? जैसे आपके सामने R I है, R Br आर है, R Cl है और R F है, इनके अगर क्वथनांक का क्रम पूछा जाए आपसे तो क्वथनांक का क्रम क्या होता है, इसमें किसका क्वथनांक अधिक होता है और किसका क्वथनांक कम होता है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? देखिए R आई का क्वथनांक अधिक होता है और इन सभी का क्वथनांक ये क्रम होता है, मतलब सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? आर आई का होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में ये समझ लो, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे ऑप्शन दे देता है आपसे, पहला ऑप्शन दे देगा आर एफ, दूसरा ऑप्शन दे देगा आर बी आर, तीसरा ऑप्शन दे देगा आर सी एल, चौथा ऑप्शन दे देगा क्या ये नोटी, इसमें से कोई नहीं, तो ज़्यादा देखना इसमें से किसका सर्वाधिक है। अरे आर आई का सबसे ज़्यादा है, अगर इसमें आर आई नहीं दिया तो इससे कम किसका? आर बी आर, आर बी आर का कम है तो आर बी आर वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब सर्वाधिक किसका ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो कोई जरूरत नहीं कि केवल आर आई ही दे, आर बी आर है ना सबसे अधिक इन तीनों में तो आर बी आर वाला आंसर सही है। कभी कभी सबसे कम किसका पूछता है तो आर एफ का कम होगा, ठीक है, इस तरह से पूछता है और इस तरह से आपको जवाब देना है। हो बोलिए कैसे समझ में आ रहा है सभी को चीज़ें, बोलिए सभी को समझ में आ रहा है पॉइंट्स और चीज़ें, सभी चीज सभी टॉपिक सभी को समझ में आ रहा है?
चलिए अब आप लोग इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़िएगा, केवल दो ही पढ़ना था, दो ही आपके एग्जाम में पूछता है रासायनिक गुणधर्म। हेडिंग करिए इसके रासायनिक गुणधर्म। तो ये किसमें ज़्यादा विलय होता है? इथर एवं तर में, कार्बनिक यौगिक में ज़्यादा विलय होता है, जबकि जलोल में बहुत ही कम विलय होता है। अब हेडिंग करिएगा रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म देखिए चार प्रकार के रिएक्शन ये देता है। अब चारों के बारे में आपको जानना नहीं है, जब रिएक्शन कराऊंगा तो बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। चार प्रकार का रिएक्शन ये देता है। पहला रिएक्शन क्या? अपचयन अपक्रिया। दूसरा रिएक्शन क्या देता है? दूसरा रिएक्शन ये देता है नाभिक स्नेही अपक्रिया। नाभिक से नहीं अपक्रिया। तीसरा रिएक्शन क्या देता है? तीसरा रिएक्शन देता है विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया। चौथा रिएक्शन ये क्या देता है? चौथा रिएक्शन देता है धातुओं के साथ अपक्रिया। देखिए चार प्रकार का रिएक्शन है, अपचयन अपक्रिया, नाभिक स्नेही अपक्रिया, विलोपन अपक्रिया और धातुओं के साथ अपक्रिया। ये चार प्रकार की क्या है यहाँ पे अपक्रियाएं हैं जिसे आपको पढ़नी है। अपचयन, नाभिक स्नेही अपक्रिया, विलोपन अपक्रिया और धातुओं के साथ अपक्रिया। अपचयन, नाभिक स्नेही अपक्रिया, विलोपन अपक्रिया और धातुओं के साथ अपक्रिया। ये चार प्रकार की अपक्रियाएं हैं जिसे आपको पढ़नी है। ये चार प्रकार की अपक्रियाएं हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे, फिर नाभिक स्नेही, फिर विलोपन, फिर धातुएं। ध्यान देना मेरी बातों को कि जब मैं अपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे तभी बता दूंगा कि अपचयन क्या होता है और कैसे अपक्रिया होती है। तो इन चारों के बारे में मैंने बता दिया कि कैसे कैसे अपक्रिया होती है, लेकिन चारों के बारे में जब पढ़ेंगे तभी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अपचयन अपक्रिया से स्टार्ट करते हैं फटाफट। अपचयन किसे कहा जाता है? जिसको भी आता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्लीज। अपचयन किसे कहा जाता है, किसको किसको आता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अपचयन किसे कहा जाता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप सभी लोग बताइएगा। अपचयन का मतलब यह होता है, देखिए मतलब तो बहुत होता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाहर निकालना या हाइड्रोजन को जोड़ना, ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें केवल यहाँ पर एक ही पॉइंट याद करना है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब अपचयन होता है, जहां पर भी अपचयन होता है वहां पे हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, चार पांच उत्प्रेरक का नाम मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब बाबा जी का नाम मैंने लिखने जा रहा हूं, चार पांच, ठीक है, ठीक है। जिसमें से आपका पहला क्या है, पहला है आपका H2 और संक्रमण तत्व, ठीक है, या फिर ZnCl2 ZnCl2 ZnHCl ZnHCl, या फिर SN+HCl, या फिर ठीक है LiAlH4, ठीक है, या फिर ईथर, या फिर क्या ZnC2H5OH, या फिर NaC2H5OH, मतलब Na और C2H5OH, ठीक है, Na मतलब सोडियम और C2H5OH, या फिर फास्फोरस और आयोडीन, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर ZN, ये तो हो गया ZN हो गया, ठीक है। ये तमाम उत्प्रेरक हैं जिसे आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि आपको रिएक्शंस किसने दे देता है, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में दे देता है, कितने से किसके साथ में अपक्रिया करके अपचयन अपक्रिया देते हैं, तो ये सभी के सभी उत्प्रेरक याद रखने हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन या संक्रमण तत्व तो कोई हो सकता है, ZnCl2 या फिर SnCl2, ZnHCl या फिर SnHCl, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, ये ZnSn याद हो जाएगा, SCl, ये LiAlH4,
या फिर ईथर या जेडीएन सी टू एच फाइव ओ एच या फिर एन ए सी टू एच फाइव ओ एच, इतने में से कोई भी तत्व होगा या पी एच आई टू, ये सभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इन सभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये सभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का अपचयन हो जाता है। ये सभी उत्प्रेरक आपको याद रखना है, हालांकि इसमें से एक ही के साथ अपचयन होगा, लेकिन इतना उत्प्रेरक ऐसे हैं, ये बाबा जी ऐसे हैं जो कि एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं, जैसे मैंने कहा था बाबा जी शादी करते हैं, सर्दी करवाते हैं, करते नहीं हैं, तो यहाँ पर ये सभी उत्प्रेरक जो है केवल और केवल एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं। जैसे आपके सामने आर एक्स है, ठीक है, क्या है आपके सामने एक एग्जाम्पल, मैं आर एक्स लेता हूँ, इसका उत्प्रेरक का कराने का मतलब ये H2 के साथ में क्रिया करा दें, जब H2 के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, JDN CU प्लस है, मैं यहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक ले लेता हूँ, मैं एनी मान लीजिए हम AlAlIAlH4 लेता हूँ, ठीक है, इसी को ले लेता हूँ, इसके साथ में जब क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, ध्यान से समझना, याद हो जाएगा, मुझे मालूम है, यहाँ पे जो X है, इस दो हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस S के साथ में क्रिया करके HX बाहर निकाल लेता है, साथ में क्या बचता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचता है और यहाँ पे R बचा हुआ है, ठीक है, ये तो X निकली गया है, R और H दोनों आपस में क्रिया करके RH बना देते हैं, RH क्या है, एल्केन है, ठीक है, इस तरह से क्रिया होती है ना। और आपके सामने क्या है, एक एग्जाम्पल C2H5Br, ठीक है, इसकी क्रिया करानी है, तो इसकी अपचयन कराना है, H2 के साथ में क्रिया कराना है, तो इसमें से कोई भी मैं एक उत्प्रेरक ले लेता हूँ, एक उत्प्रेरक के रूप में JDN प्लस HCl ले लेता हूँ, JDN प्लस HCl को जब मैं लेता हूँ तो ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा, इसमें से एक एच बाहर निकलेगा और यह Br, ठीक है, इसके साथ में अब क्रिया कर लेगा, ठीक है, दो एच है, इसमें से एक एच बाहर निकला और Br के साथ में क्रिया करके HBr बाहर निकालना प्लस, अब यहाँ पे एक एच शेष बचा हुआ है, यह एच C2H5 से क्रिया कर लेगा, तो देखिए C2H5 और एक एच जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखना C2H5 है, एक एच और जुड़ा तो C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, ठीक है, तो अपचयन कैसे कराया जाता है इसका समझ में आ गया होगा, अपचयन कैसे कराया जाता है, ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, अपचयन कैसे कराया जाता है, ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी ना, इसे नोट करिए, ये अपचयन क्रिया, तो इसमें से कोई उत्प्रेरक है अगर इसके उपस्थिति में कोई भी हेलो एल्केन है, वह उसका अपचयन होकर वहाँ पर क्या बनता है, एल्केन बन जाता है, हेलोरिन का अपचयन होकर एल्केन बन जाता है। समझ में आ रहा है सभी को, अब नेक्स्ट अपक्रिया हमने क्या लिखा था, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा था नाभिक स्नेही अपक्रिया, ठीक है, अब नाभिक स्नेही अपक्रिया पढ़ेंगे और सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या लिखना है, नाभिक स्नेही अपक्रिया, क्या है, नाभिक स्नेही अपक्रिया, नाभिक स्नेही अपक्रिया, नाभिक स्नेही अपक्रिया किसे कहते हैं, देखिए नाभिक से जो स्नेह करता है, जो प्यार करता है, उसे नाभिक स्नेही अपक्रिया कहते हैं। सर ये नाभिक कौन होता है, नाभिक का मतलब धनावेश, देखिए कोई भी परमाणु होता है, इस परमाणु के जो नाभिक में कौन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन,
अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन पे धनावेश चार्ज होता है, तो नाभिक नहीं अपक्रिया से मतलब यह होता है जो नाभिक से प्यार करे, नाभिक से क्या करे, प्यार करे, ठीक है। मैं यही जानता हूं जो नाभिक से प्यार करें, जहां पर अपक्रिया में धनावेश को ही खोजें और धनावेश के साथ में जुड़कर कुछ यौगिक बना लें। हालांकि इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना होता तो SN1 SN2 रिएक्शन बताता मैं, लेकिन मैं SN1 SN2 रिएक्शन यहां पे नहीं बता रहा हूं, केवल और केवल रिएक्शन करा रहा हूं। SN1 SN2 रिएक्शन मैं अलग से बताऊंगा आपको एक छोटा सा ट्रिक के जरिए, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 5 से 10 मिनट का, उसमें SN1 SN2 बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि आदमी को यह जानना चाहिए चीज़ों को कैसे खाना है, कैसे ग्रहण करना है। दूध है, दही के साथ में खा लिए तो क्या हो जाएगा पेट में जाकर, क्या हो जाएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हर एक चीज़ होती है उसे एक समय पर लेना पड़ता है, अगर समय पर लोगे तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। इसी तरह से हर एक टॉपिक है, अगर समय पर पढ़ोगे तो आपके दिमाग के लिए लाभदायक होगा और एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। तो इसके चक्कर मत पढ़ना, सर आपने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, पेपर कल नहीं है, पेपर से पहले करना आप सर ने क्या नहीं पढ़ाया, सभी चीज़ें मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो नाभिक से नहीं अपक्रिया किसे कहा जाता है, जो नाभिक से प्यार करते हैं, जो नाभिक से लव करते हैं, ठीक है। आप लोग भी ठीक है, इसमें से पहला रिएक्शन आप सभी लोग लिखिएगा, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन सिंपल है। अगर आप हेलोएल्किन की क्रिया जली क्षार NaOH या फिर KOH के साथ में कराई जाती है तो हेलो एल्क्योर एल्कोहल बनाता है। देखिए ये क्रिया अगर जली के साथ में किया जाती है तो कुछ और प्रोडक्ट बनाता है, जबकि एल्कोहल ही, ध्यान देना, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर हेलोजन की क्रिया है लो एल्केन, हेलो एल्केन की क्रिया, हेलोजन की क्रिया किसके साथ में कराई जाए, जलीय KOH या फिर NaOH के साथ में, के साथ में, के साथ में कराने पर क्या बनता है, के साथ में कराने पर क्या बनता है, के साथ में कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ध्यान देना, अगर यही क्रिया जली NaOH KOH के साथ में कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, अगर यही क्रिया एल्कोहल ही NaOH और KOH के साथ में कराते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, यानी एल्किन बनता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जली NaOH और KOH के साथ में कराते हैं, एल्कोहली वाला मैं आगे कराऊंगा, मैं चाहता दोनों एक साथ करा देता लेकिन एक साथ नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पर वो दूसरे नियम पर कार्य करती है, ये दूसरे नियम पर कार्य करता है। यहाँ पर जो भी रिएक्शन होंगे सेम टाइप से होंगे, एक ही तरीके से होंगे, इसलिए मैं इसको सिस्टमेटिक करके इसको पहले करा रहा हूँ उसको बाद में करा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर ये जली की जगह पर एल्कोहली हो जाएगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा, तब क्या बनेगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जली NaOH के साथ में क्रिया हो रही है, जैसे आपके सामने एक रिएक्शन है RX, यही रिएक्शन है, इसकी जली NaOH के साथ में क्रिया करा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग, इसमें क्या करते हैं ये सब, इसमें एक तो एक दूसरे का बदला लेते हैं, इसमें यक्ष जो था ना, अब यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे समझना, रिएक्शन में कभी भी आपको NA मिले, AG मिले और कोई भी तत्व मिले, H मिले, ठीक है, ये इतना में से या कोई भी तत्व मिले यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी हैलोजन मिले, X मिले, यानी X के मिले, या फिर X का मतलब आपका फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, इसमें जो कोई भी तत्व आपको कहीं भी रिएक्शन में दिखाई दे, आपको क्या करना है, हमेशा इन दोनों की क्रिया करा के प्रोडक्ट बना देना है। जैसे यहाँ पर आपका NA दिखाई दे रहा है और X दिखाई दे रहा है, तो आपको यही नहीं सोचना है कि रिएक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, आपको NaCl बना देना है, NaX बना देना है, ठीक है, और जो बचता है उसको एक साथ लिख दीजिए ROH, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। आप यही अगर मान लीजिए आप पोटेशियम को लिख दीजिए, पोटेशियम भी होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए यही रिएक्शन आपका जैसे इस तरह से होता R3CL, ठीक है, प्लस KOH इसके साथ में अपक्रिया कराई जा रही है। तो ध्यान देना सभी लोग, ये जो K है
ये Cl है, सीधे क्रिया कर लेगा। मैंने आपको बताया इसमें से कोई भी धातु है और यहाँ पे कोई भी हैलोजन तत्व है, ये तुरंत अब क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे यहाँ पे KCl बना लिया, ये प्रोडक्ट बना है KCl, ठीक है। और बचा हुआ जो CH3 है और OH है, ये आपस में जुड़ जाएगा, OH के रूप में प्रोडक्ट बना लेगा, CH3OH के रूप में क्या करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, CH3OH के रूप में प्रोडक्ट बना लेगा, CH3OH के रूप में प्रोडक्ट बना लेगा, CH3OH के रूप में प्रोडक्ट बना लेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आया सभी को? तो ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल इतना ध्यान देना है, ट्रिक समझना इसमें क्या होता है, यानी जहां पर भी आपको दिखाई दे CX दिखाई दे या यहाँ पे KOH KCl दिखाई, हमेशा Cl जुड़ जाएगा उसके साथ जो धातु जो रहेगा, ये सभी क्या है, मेटल हैं, धातु हैं, उसके साथ क्रिया करके तुरंत आपका प्रोडक्ट बनाएगा, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आगे कई एग्जाम्पल आएंगे, हर जगह यही रूल लागू करूंगा, 90% रिएक्शन इसी रूल पे बनेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए सभी लोग, मैं इधर आ जाता हूँ ना। तो बोलिए आप सभी को समझ में आया ना, समझ में आ गया हो आलो ना। तो एक बात समझना सभी लोग, ये जो मैंने रूल बताया ना, जो NaCl बाहर निकलने वाला, ये रूल आपको बार बार आपको मैं दिखाकर प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, अनेकों क्वेश्चंस में ये रूल काम करेगा, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। इसके बाद वाला जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब मैं जो भी रिएक्शन लिखा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। हालांकि इसको आपको एक बार और पढ़ना है, कब, जब अल्कोहल फिनाइल ईथर पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, तो अभी से पढ़े रहोगे तब और समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, क्या, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसी नाम से पूछा भी जाता है, विलियमसन कैसे लिखा जाएगा संश्लेषण, यहाँ विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें क्या होती है, कैसे ये अभिक्रिया होती है, ध्यान देना सभी लोग, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ईथर बनता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ईथर बनता है, इसमें क्या, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ में कराने पर ईथर प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, क्या, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड के साथ में, के आप सभी लोग भी स्टेटमेंट लिखना कमेंट बॉक्स में, सोडियम एल्काक्साइड के साथ में एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ में कराने पर ईथर प्राप्त होता है। सोडियम एल्काक्साइड क्या होता है, सोडियम एल्काक्साइड मतलब RONA, ठीक है, इसके साथ में कराने पर, साथ में कराने पर ईथर प्राप्त होता है, के साथ में कराने पर ईथर प्राप्त होता है, मतलब एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ में कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ध्यान देना सभी लोग, एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ में कराने, मतलब आर एक्स की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड आर ओ एन ए के साथ में कराने पर हमें ईथर प्राप्त होता है। ध्यान देना, मैंने अभी बताया था कहीं पर भी रिएक्शन में आपको सोडियम, क्या, सोडियम दिखाई दे, पोटेशियम दिखाई दे, Ag दिखाई दे, कोई भी धातु दिखाई दे, धातु दिखाई दे, और इन धातुओं के बगल में कहीं पर एक्स दिखाई दे, एक्स का मतलब आपका कुछ हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, सीधे इन दोनों को आपस में जोड़कर आर एक्स या फिर के एक्स या फिर ए जी एक्स या धातु के साथ एक्स जोड़ दोगे। यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, यहाँ एन ए दिखाई दे रहा है और एक्स दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इससे मतलब नहीं है, आपको एन ए और एक्स को सीधे सीधे जोड़ देना है और एन ए एक्स कर लेना है, और बचता है यहाँ पे आर ओ और आर,
इसको लिखेंगे आर ओ आर, ये इसे ईथर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है, ईथर कहा जाता है। मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, ध्यान देना सभी लोग। सी एच थ्री सी टू एच फाइव डाई एथिल ईथर सी टू एच फाइव एक्स प्लस सी टू एच फाइव ओ एन ए, यस के यहाँ पे आप ब्रोमीन लिख दीजिए, ठीक है। ये अभिक्रिया करता है, जब ये अभिक्रिया करता है तो ध्यान देना सभी लोग क्या है यहाँ पर बी आर एन ए, ये दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि इसमें से या इसके अलावा कोई भी धातु हो, यहाँ पे सी एल क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन दिखाई दे रहा है, तो आपको सीधे ये करना है, ये एन ए को ब्रोमीन के साथ में जोड़ देना है। एन ए को ब्रोमीन के साथ में जोड़ना है, उसके बाद सोचना ही नहीं है क्या क्या होने रहा। सबसे पहले आपको एन ए को ब्रोमीन के साथ में जोड़ना है और एन ए बी आर प्राप्त कर देता है, ठीक है। और साथ में सी टू एच फाइव ओ और सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव ओ और सी टू एच फाइव, ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में बना है। तो ये क्या लिखेंगे? सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, ये बनता है प्रोडक्ट के रूप में, सी टू एच फाइव ओ और सी टू एच फाइव बनता है, जिसे हम लोग डाई एथिल ईथर कहते हैं। डाई एथिल ईथर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डाई एथिल ईथर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डाई एथिल ईथर कहते हैं, सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव ओ, इसे क्या कहते हैं? डाई एथिल ईथर कहते हैं, क्या कहते हैं? डाई एथिल ईथर कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है सभी को? डाई एथिल ईथर कहते हैं। मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सोडियम है ये बी आर के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जो बचता है उसको एक साथ लिख दो तो अपना रिएक्शन बन जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आया सभी को कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ अभी तुरंत, और साथ में इस स्टेटमेंट को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। जो मैंने आपको ये ट्रिक बताया, इस ट्रिक से काम हो रहा है ना, इसी ट्रिक से मैं पूरा रिएक्शन करा दूंगा। बस ये ट्रिक याद रखना कि जहां पर भी ये कोई धातु है और यहां पे हैलोजन है, क्रिया करके आप उसको बाहर निकाल दोगे। ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया लिखना, नेक्स्ट अभिक्रिया लिखना, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है ध्यान देना सभी लोग, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अभी आप लोग ध्यान देना। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, है यह रिएक्शन कि एस्टर समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एस्टर समूह, एस्टर समूह के द्वारा, एस्टर समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें क्या होती है एस्टर समूह के प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना इधर। इसमें क्या होता है? सीधी सी बात है, इसमें भी वो ट्रिक काम करेगी। इसमें क्या? एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, अगर एल्कोहलिक कार्बोसिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ में कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है, यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक सिल्वर लवण के, एल्किल हैलाइड क्रिया एल्कोहलिक सिल्वर लवण के साथ में कराई जाती है तो एस्टर एस्टर प्राप्त होता है। ध्यान देना सभी लोग, एस्टर कैसे प्राप्त होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। देखिए आपके पास एल्कोहलिक सिल्वर लवण, ये आर सी ओ ए जी, ठीक है, एल्कोहलिक सिल्वर लवण के साथ में एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड क्रिया मतलब आर एस की क्रिया, मतलब एल्किल अभी एक्स ले रहे हैं, ठीक है, इसकी क्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? अभी आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर से बताया, कहीं पर भी कोई धातु दिखाई दे, ए जी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है, सीधे ए जी एस बाहर निकलेगा, ए जी एस पहले बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब जो बचा उसको एक साथ लिखिए, चूंकि देखो ये इसको लेकर भाग गया तो बेचारे ये दोनों अकेले बैठ कर क्या करेंगे, चलो हम दोनों आपस में बैठते हैं साथ साथ मजे लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आर सी ओ
आर हो जाएगा। ये जो होता है इसे एस्टर कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है, याद रखना इसे एस्टर कहा जाता है। और एस्टर क्या होता है? अरे यार परफ्यूम मारते हो सभी लोग, परफ्यूम मारते हो ना, परफ्यूम जो बनता है एस्टर से ही बनता है, इसे एस्टर कहा जाता है। परफ्यूम जो बनता है एस्टर से बनता है और इसे एस्टर कहा जाता है, आप लोग परफ्यूम मारते हो ना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, देखिए मान लीजिए हम CH3COAG लिया हूँ। ठीक है, इसकी क्रिया RBR के साथ में करा रहा हूँ तो क्या होगा प्रोडक्ट के रूप में? ध्यान देना, ये BRAG के साथ में क्रिया करेगा। मैंने बताया ये जहाँ पे धातु दिखाई दे हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकल जाता है, AG BR बाहर निकल गया, प्लस में जो बचा CH3CO और R, ये CH3COR, ये क्या है? एस्टर है। तो इस तरह से आप क्रिया होती है। तो अभी तक कुछ याद करने की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल अलग अलग रिएक्शन के जरिए आपको प्रूफ करते जा रहा हूँ कि मेरा जो नियम था वो यूनिवर्सल सत्य है, हर जगह पूरे रिएक्शन। कौन कहता है केमिस्ट्री के रिएक्शन आपको याद नहीं होते? कौन कहता है केमिस्ट्री के रिएक्शन में कोई ट्रिक नहीं होता? ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको, हमेशा ये धातु की साथ क्रिया करा लेना, हैलोजन के धातु के साथ क्रिया करके निकाल देना। कोई भी रिएक्शन हो सभी रिएक्शन इसी को फॉलो करेंगे, एक दो चार रिएक्शन को छोड़कर। ठीक है, दो चार रिएक्शन को मैं अलग ट्रिक से बता दूंगा आप लोगों को, नोट कीजिए फटाफट सभी लोग। एस्टर समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया, एस्टर समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? अब एस्टर समूह के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके, साइनो या आइसो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें भी वही रिएक्शन काम करेगा, पूरा रिएक्शन इसी नियम पे लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साइनो या आइसो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो या आइसो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है? साइनो या आइसो समूह के द्वारा किस तरह से प्रतिस्थापन होता है और अभिक्रिया कैसे बनता है? ध्यान देना सभी लोग, साइनो समूह या आइसो समूह क्या होता है इसके बारे में आगे आपको बता देना। आइसो साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, आइसो साइनो, यहाँ पे साइनो रहेगा, आइसो साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, कैसे होता है ध्यान देना, KCN, देखो अगर CN जुड़ा हो, जिसे मान लीजिए KCN, इसे कहा जाता है साइनो, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड कहा जाता है। वहीं पे मान लीजिए AgNC जुड़ा है, यानी C से N हो गया तो इसे कहा जाता है आइसोसाइनो। ध्यान देना, CN जुड़ा इसे साइनो कहेंगे, NC जुड़ा इसे आइसोसाइनो कहेंगे, CN जुड़ा उसे साइनो कहेंगे, NC जुड़ा उसे आइसोसाइनो कहेंगे। समझ में आया? अगर NC मतलब उल्टा जुड़ गया तो आइसोसाइनो कहेंगे, अगर सीधा जुड़ा तो साइनो कहेंगे। तो मुझे समझाना यह है कि साइनो तथा आइसो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ये स्टेटमेंट कहीं नहीं पूछेगा कि साइनो आइसो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ये जो पूछेगा मैं बता रहा हूँ क्या पूछेगा। ठीक है, रिएक्शन पूछता है इसका, ठीक है, ना? देखिए पहले सबसे पहले साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई RX, इसमें स्टेटमेंट नहीं पूछता भाई, इसकी क्रिया KCN के साथ में करा रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड के साथ में कह रहे हैं। अरे यार बताने की पड़ेगा क्या जरूरत? फिर से आ गया आपके सामने, ट्रिक वही काम करेगा, ये पोटेशियम जो है ये एक्स के साथ में क्रिया करेगा। मैंने बताया था कोई भी धातु है हमेशा एक्स के साथ में क्रिया करके KX बाहर निकलेगा। तो भाई साहब ये इसके वाले को लेकर भाग गया तो ये वाला इसके लेकर भागेगा, RCN बना लेगा। ध्यान समझ में आया? ये जो है इसको लेकर भाग गया, पोटेशियम एक्स को लेकर भाग गया, तो जो बचता है R और CN आपस में क्रिया करेंगे। क्या करेंगे बेचारे अकेले बैठकर? पोटेशियम यक्ष को लेकर भाग गया, जो बचा हुआ है ये आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है, इसी तरह से और अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो RCl यानी Cl ये क्रिया करें, CH3Cl की क्रिया अगर KCN के साथ में कराना हो तो कैसे क्रिया कराएंगे? ठीक है, CN और ये देखिए के है, Cl के साथ में क्रिया करेगा, KCl बना देगा। मैंने बताया कोई भी धातु हमेशा हैलोजन के साथ में क्रिया कर लेता है, जो बचा हुआ है ये आपस में जुड़ जाएगा। अब CH3Cl CN, अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, ये रिक्वेस्ट है कि आपको रिएक्शन केवल समझना है, याद करना है। रिएक्शन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है
क्या ट्रिक होता है, कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस में कराऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई लेना ही नहीं टेंशन आपको। ये सभी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस में कराऊंगा, तो आपको क्यों टेंशन लेना है, टेंशन क्यों लेना बताओ। अभी आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझते चलिए, ठीक है, मुझे कराना है ना, मैं मुझे मालूम है आपको कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ाने। ये तो साइनो समूह के द्वारा हो गया। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, यही क्रिया मान लीजिए ये आर यक्स है, यह क्रिया ए जी एन सी के साथ में हो रहा है, तो क्या होगा, सीधी सी बात है ए जी है और यक्स है, यह आपस में क्रिया करके ए जी एक्स बाहर निकाल देता है और एन सी और आर प्लस आर एन सी ये बाहर निकालता है। फिर से समझना, ये क्रिया में क्या हो रहा है, एक्स जो है ए जी के साथ में क्रिया करके बाहर निकल जा रहा है, ए जी एक्स हो जा रहा है और आर एन सी के रूप में बाहर निकल जा रहा है। सिमिलरली यही क्रिया मैं दोबारा ये कराता हूँ, मान लीजिए आर सी एल के साथ में, सी एच थ्री सी एल के साथ में क्रिया हो रही है, ये ए जी सी एन है, सी एन भी है, तो क्या हुआ, तो वो सी एन हो चाहे एन सी हो, हमेशा एन सी ही बनाता है, आइसोसाइनोड ही बनाता है। सबसे पहले ए जी जो है सी एल के साथ में क्रिया करके बाहर निकल जाता है, ए जी सी एल बाहर निकल जाता है, जो बचता है आपका सी एन एच सी एच थ्री आपस में जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान देना ए जी जुड़ा है ना, इसे सी एन नहीं जुड़ता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, एन सी जुड़ता है, ये याद रखना है, ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना है। यानी साइनो और आइसोसाइनो समूह में आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखना है, केवल इतना ही याद रखना है कि जो भी धातु होगा बचे हुए के साथ में अभिक्रिया कर लेगा कहीं पे, हाँ करें एक ही क्रिएशन। मैं स्टार्टिंग से मैं एन ए ओ एस से एक ही बात बता रहा हूँ और पूरा लास्ट तक बताता रहूँगा, इसी से पूरे रिएक्शन हो जाएंगे। अगर इसी कंसेप्ट को आप अगर ध्यान में रखोगे, दिमाग में रखोगे तो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका रिएक्शन आता है क्या, नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्रो या नाइट्राइट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्रो या नाइट्राइट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, नेक्स्ट क्या था, नाइट्रो या नाइट्राइट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्रो या नाइट्राइट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन क्या है, यहाँ पे नाइट्रो या नाइट्रो नाइट्राइट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन में ध्यान देना, जैसे आपके सामने NaNO2 है, NaNO2 है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया NaNO2 की अभिक्रिया जो है आपका CH2I के साथ में करा रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है, ये नाइट्रो समूह है। आप रिएक्शन को समझिए, बस रिएक्शन कैसे किया जाता है ये समझिए, स्टेटमेंट इसका भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, क्या है यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको बताया कोई भी आपका एक्स वाला समूह है, अब एक्स में कौन कौन से आते हैं, आपका क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, एक्स वाला समूह कहीं पर भी कोई धातु दिखाई दे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मतलब नहीं रखता, वो सीधे उस धातु के साथ में मिलकर शादी कर लेगा, ध्यान देना सभी लोग, यह इसके साथ में अब क्रिया कर लेता है और यह अन्य आई बना देता है, सीधी इस बात में कहीं पर भी धातु दिखाई दे, एक ही रूल तो है, एक ही नाम एक ही रूल, क्या यह आपका धातु जो है हमेशा हैलोजन के साथ क्रिया कर लेता है, जो बचा है CH3CH2 जो बचा है यह NO2 के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3CH2 यह NO2 के साथ में क्रिया कर लेता है, यह NO2 के साथ में क्रिया कर लेता है, यह किसके साथ में क्रिया कर लेता है, यह NO2 के साथ में अब क्रिया कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे शेष एन ए आई, मैं कह रहा हूँ कि आपको केवल और केवल एक ही चीज़ ध्यान देना है, कहाँ एक हैलोजन है कहाँ धातु है, दोनों आपस में क्रिया करा लेना, दोनों जो प्रोडक्ट बना लेंगे जो बचा हुआ आपस में बैठ जाएंगे, और इसके ये नाइट्रो नाइट्राइडो सब इस तरह से एग्जाम पूछता ही नहीं है, वो तो मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ, मुझे तो कुछ लिखवाना चाहिए, मैं लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे पूछता नहीं है, एग्जाम में केवल खाली स्थान दे देता है, या कभी कभी कर देता है क्या होता है जब ये बताए एल्किल मतलब क्या है एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ भी कराते हैं, तो ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, क्या होता है जब एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ में करा लेते हैं, तो
क्या होता है, ऐसे ऐसे रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन को पूछता है। कभी ये नहीं पूछा अभी तक एग्जाम में कि कैसे ये नाइट्रो या नाइट्राइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन को लिखिए। हाँ, नाभिक नहीं वाला पूछता है कभी कभी, ठीक है, उसको मैं अलग से क्वेश्चन के रूप में कराऊंगा। देखो, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, मैं सीधे इससे क्या हुआ, बस रिएक्शन आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा, मज़ा तब आएगा, प्रैक्टिस तब होगी, फायदा तब होगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब जैसे ये लेक्चर हो रहा है, इसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पर ही कराऊंगा, परेशान मत होना ना। हो गया, अब अमोनिया के साथ में, अमोनिया के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, अमोनिया के साथ में अभिक्रिया लिखाने जा रहा हूं। एल्किल हैलाइड का अमोनिया के साथ में अभिक्रिया, हेडिंग करेगा एल्किल हैलाइड का अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। NH3 के साथ में अमोनिया के साथ में अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, अमोनिया के साथ में अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान देने योग्य बात है, क्या होता है इसमें, आपका कोई एल्किल हैलाइड RX है, इसकी क्रियाकर NH3 के साथ में कराई जा रही। मैंने आपको क्या बताया था, हमने बताया था हाइड्रोजन, बताया था मैं स्टार्टिंग में, आप 5-10-15-20 मिनट पहले वीडियो में जाइए, वहां पर मैं बताया था क्या, सोडियम हो, पोटेशियम हो, AG हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन भी कर लीजिए या कोई धातु हो, ये कहीं भी दिखाई दे और बगल में आपको एक्स दिखाई दे, ये अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं, एक्स के बिना मिले रोक ही नहीं सकते हैं, एक्स के तुरंत जाएंगे पास में मिलते हैं, उसके बाद कुछ आगे क्रिया करते हैं, तो बगल में एक्स दिखाई दे तो सीधे एक्स के साथ में क्रिया करके क्या बना देते हैं, मतलब एक्स के साथ में क्रिया कर ले, एक्स का मतलब क्या हुआ, स्टीयर हो गया, ब्रोमीन हो सकेगा, आयोडीन हो सकेगा, फ्लोरीन हो गया, कोई भी हो सकता है इसमें से एक्स का मतलब। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये RX है, ये NH3 है, इसके साथ में क्रिया करना है तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, केवल एक ही एच क्रिया करेगा, एक हाइड्रोजन इस एक्स के साथ में क्रिया कर लेगा तो HX बना देगा, साथ में जो बचता है एक साथ लिख देते हैं RNH2। घने भाई जो बचे हुए क्या करेंगे, ये दोनों भाग गए अपने में तो बचे हुए सो अपने साथ में रहने लगेंगे, दोनों अलग अलग थोड़ी रहेंगे, जब भाग गए तो ये बेचारे क्या करेंगे, एक साथ रहने लगेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं, इसमें थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कई स्टेप होता है, मान लीजिए CH3 Cl है, इसकी क्रिया NH3 के साथ में करा रहे हैं, इसकी क्रिया NH3 के साथ में करा रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl के साथ में अभिक्रिया करेगा, मैंने बताया इसमें से कोई भी होता है सबसे पहले HX या HCl, HBr, HI को बाहर निकालते हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ में क्रिया करके HCl बनाएगा, जो बचा है आपका क्या बचा है, CH3NH2, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन निकला है तो यहां पर NH2 ही बचा है, और यहां पर यह निकल गया तो CH3 ही बचा है, और क्या बचा है, ये अभिक्रिया बचे बचे लोग आपस में बैठ जाएंगे और ये अभिक्रिया हो जाएगा। सिमिलरली ये CH3NH2 जो है ये फिर कुछ नहीं करेगा, ये भी क्रिया करेगा, फिर से मान लीजिए ये एक मिनट, ये मान लीजिए आपकी क्रिया यही क्रिया सेम क्रिया फिर से CH3Cl के साथ में फिर से ये क्रिया करने लगे, यही क्रिया करने लगे तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, देखो एक ही ट्रिक हर जगह काम कर रहा है और सभी रिएक्शन को लिख सकते हो, इसीलिए मैं कराऊँ था कि मैं आपको एक एक पॉइंट याद करा दूंगा, याद करा रहा है समझा रहा हूँ, फिर से वही क्रिया होगी, सेम क्रिया होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये Cl इसके साथ में क्रिया करके HCl बाहर निकल जाएगा, साथ में जो बचा वह साथ में जाएगा, जाएगा, क्या क्या बचा है, बचा आपका ये CH3 बचा है और CH3, ये CH3 बचा हुआ है, साथ साथ में कौन कौन बचा है, और ये आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो CH3 CH3NH बचा, चूंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है,
अब ये सी एस थ्री बचा है, सी एस थ्री एन एच बचा है, डी बचा है। तो ध्यान देना सभी लोग, एक ये सी एस थ्री, एक ये सी एस थ्री, दो सी एस थ्री हो गए, तो यहाँ पे क्या सी एस थ्री ट्वाइस हो जाएगा और ये एन एच रहेगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। रिएक्शन समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है रिएक्शन? फिर से समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फिर से इसकी क्रिया Cl के साथ में CH3 ट्वाइस NH की कराते हैं, यानी इसको उठा के कराते हैं, तो क्या होगी? क्या फिर से ये H बचा हुआ है बेचारा, फिर Cl को लेकर भागेगा, Cl को लेकर रह ही नहीं पाएगा, भाग जाएगा तुरंत, और यह Cl बताएगा। अब बचा हुआ जो है CH3 ट्वाइस N, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 थ्राइस हो जाएगा। कैसे थ्राइस होगा सर? एक तो यहाँ पे CH3 है और बाकी ये दो तीन हो जाएंगे, और N N चूंकि H को लेकर भाग ही गया है तो यहाँ पे N हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, इस तरह से अभिक्रियाएँ होती हैं, अमोनिया के साथ में अभिक्रियाएँ इस तरह से होती हैं। चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं? कुछ समझना, कोई डर नहीं तो लग रहा है ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अब यार नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? अब हम आपकी क्रिया एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में करा रहे हैं। अब यहां पर आपका रूल चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर आपका रूल चेंज होगा और यही एक रिएक्शन ऐसा जो सबसे डिफरेंस है, ठीक है। अगर देखिए जली क्यूएच लिखेगा तो आपका सिंपल रूल से काम होगा, अगर एल्कोहलिक क्यूएच लिखेगा, भाई सीधी सी बात है, मैं सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ। जली क्यूएच में भाई जो पानी पीते हैं वो बेचारे दिमाग से काम करते हैं, सही तरीके से काम, एल्कोहल ही पिए, एल्कोहल पीने के बाद दारू दवा दारू पीने के बाद सब नशे में आ जाते हैं, किसी को पकड़ कर भाग जाते हैं, किसी के लेकर रह जाते हैं, किसी के साथ चोरी चमारी कुल कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? नशे में आ जाते हैं ना, एक मिनट पानी पी लेते हैं। अरे यार पढ़ाई किया करो सभी लोग। ठीक है, अब देखो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या है, तत्व तो एल्कोहल पी लिया है तो भाई उल्टा पुल्टा प्रोडक्ट देने लगता है ना। अभी मैं कराने जा रहा हूँ तो समझ में आएगा ना, अभी नहीं समझ में आएगा, क्रिया जब हो जाएगी तब समझ में आएगा ना। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस था, बाकी जितने भी रिएक्शन एक ही रूल पे किए हुए थे। अब लिखिएगा एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में अभिक्रिया, अभी हमने जेली क्यूएच के साथ में पढ़ा था, अब एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में क्रिया। अब कैसे याद करोगे एल्कोहलिक में क्या होता है, जेली में क्या होता है? पहले हम एल्कोहलिक वाला बता रहे हैं, आपके सामने एक प्रोडक्ट मैं लिखता हूं, हेलो एल्केन लिखता हूँ, टू डिग्री हेलो एल्केन लिखता हूँ, ठीक है। क्या सी एच थ्री सी सी एच टू सी एच थ्री, ये प्रोडक्ट लिखता हूँ, इसकी क्रिया अगर एल्कोहलिक की है, ए एल सी एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में कराते हैं तब, इसकी क्रिया एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में कराते हैं तब क्या होता है, क्या होता है मालूम है? देखो भाई सीधी सी बात है, अगर यही क्रिया पहले जली वाला करा दे तब उसकी बात होगा, सी एच सी एच टू सी एच थ्री, यही क्रिया अगर जली के ओ एच के साथ में कराएं तो क्या होगा? ध्यान देना, जब जली के ओ एच के साथ में कराएंगे तो रूल को फॉलो करता है भाई, एल्कोहल जब पीते हैं तब रूल का फॉलो नहीं करते, एल्कोहल में भाई किसी को गाली देने लगते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं, ये सभी क्रिया होती है ना, तो यहाँ पर भी वही होती है, किसी को भी उठा कर लेकर भाग जाएंगे। जबकि सच्चाई ये था कि जली के ओएच में क्या था, यहाँ पर हमारे सी एल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या था, ये जो सी एल था ये के साथ में अभिक्रिया करके के सी एल बनाता, के सी एल बनाता, बाकी ये जो बचे हुए हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ से ये निकला इसी जगह ओएच जाकर जुड़ जाता,
इस तरह से जाकर जुड़ जाता, ये क्रिया होती। लेकिन जब अल्कोहल पी लेते हैं तो प्रॉब्लम होता, ये इस के को न ले जाकर ये साला क्या करता, समझे भाई, ये करता क्या है, के को न ले जाकर, के को न ले जाकर ये कुछ गलत काम कर देता है, के को न ले जाकर कुछ गलत काम कर देता है। अरे गलत काम कर ही देता है भाई, के को न ले जाकर ये क्या करता है, ये जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक थी, यहाँ पे तीन था यहाँ पे दो था, तो तीन वाले में से एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है, तीन माने में से दो एक हाइड्रोजन को लेकर भाग, यहाँ पे CH2 बच जाता है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है CH3। ये कब होता है भाई साहब, जब ये दो चार गुट चढ़ा लेते हैं तब, यानी अल्कोहलिक KOH के साथ में ये अभिक्रिया होती है, जलीय KOH के साथ में ये अभिक्रिया नहीं होती है। जलीय KOH के साथ में जो अभिक्रिया होती है मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, ठीक है स्याही फिर से बन, जलीय KOH के साथ में जो अभिक्रिया होती है मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, जलीय KOH के साथ में जो अभिक्रिया होती है ये मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो गाइस समझ में आया सभी को, ये दारू पी के जो है उल्टा पुल्टा करने लग रहा है, और ये जलीय KOH अपने नियम से काम कर रहा है। अब भाई क्या करें हम, आप ही कल दारू पी के जो है उल्टा पुल्टा कुछ कर दो, गलत सही एडाट गया काम, तो हम क्या करें, क्या ही कर सकते हैं हम बताओ, कोई खतरनाक वतरनाक काम कर दो आप सभी लोग, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये दारू पीकर किया और यहाँ से जहाँ वाले से ज़्यादा हाइड्रोजन देखा उसको लेकर भाग गया। अरे कहीं भाग गया होगा यार, तुम लोग भागना होगा मत किसी को लेकर, पंडित जी को बुलाना, शादी वगैरह कर लेना, ठीक है ना, चलिए ठीक है। चलिए हो गया, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पीडीएफ में दिखा देता हूँ और पीडीएफ में ही एक क्वेश्चन है, पीडीएफ में मैं दिखा देता हूँ और पीडीएफ में ही एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड का ऑप्शन, देखिए एल्किल हैलाइड का ऑप्शन वाला पार्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि टू ब्रोमो ब्यूटेन की एल्कोहलिक KOH के साथ में क्रिया कराई जाती, गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन दिया गया है टू ब्रोमो ब्यूटेन। भाई साहब थोड़ा मोड़ा नाम लिखने आना चाहिए, और आप इसका टेंशन मत लीजिए, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, जिससे आज के लेक्चर में आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका प्रैक्टिस ही कराना होगा, हम सोचते हैं इसी तरीके से पढ़ाएं, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दें, दो तीन दिन में, मतलब जिससे डेली नहीं दो या तीन दिन रुक कर आपको एक मैराथन दे दें चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दें। बोलिए आप लोग सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। और देखिए अब हम लोग धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसके बाद हेलो एल्किन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हेलो एरिन शुरू होगा, तो हेडिंग करिएगा धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये क्वेश्चन समझ लेना सभी लोग पीडीएफ में, ठीक है। चलिए धातुओं के साथ अभिक्रिया हेडिंग करिएगा धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या करते हैं, देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, जिसमें सबसे पहला अभिक्रिया क्या है, धातुओं के साथ अभिक्रिया में मैं सबसे पहला ही अभिक्रिया आपको लिखाने जा रहा हूं, वह है अभिक्रिया आप सभी के लिए क्या है, उर्स अभिक्रिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उर्स। देखिए तीन प्रकार की अभिक्रिया होती है उर्स में, एक उर्स अभिक्रिया होती है, एक उर्स फिटिंग अभिक्रिया, एक फिटिंग अभिक्रिया। जब आप लोग हेलो एरिन पढ़ोगे तो तीनों चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन केवल यहाँ पे उर्स अभिक्रिया मैं बताने जा रहा हूँ, तो हेडिंग करिएगा उर्स अभिक्रिया, उर्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है ध्यान देना, उर्स अभिक्रिया किसे ध्यान देना, ठीक है उर्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है ध्यान देना सभी लोग। देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं उर्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एल्किन
एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखिए एल्किल हैलाइड क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं, तब सोडियम के साथ कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर, ये जो शुष्क ईथर है ना, इसको याद रखना सभी लोग। यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ शुष्क ईथर और जली ईथर की उपस्थिति में। ईथर लिखेगा तो गलत होगा, शुष्क ईथर ही लिखना पड़ेगा कि उपस्थिति में सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या पड़ा? एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। आर एक्स है या आर एक्स है, इसकी क्रिया सोडियम के साथ करा रहे हैं, फिर एक आर एक्स है, टू सोडियम है, ठीक है, आर इसकी क्रिया करा रहे हैं, और ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में हो रही है। तो ध्यान देना सभी लोग, ये जो यक्स यक्स है ना, ये यक्स है, आपस में निकल जाएगा, टू एन एक्स निकल जाएगा, और देखिए ये आर और आर आपस में जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाता है, आर आर जुड़ जाता है। सिमिलरली अगर आप करना चाहें तो सी एच थ्री एक्स, यहाँ पे सी एल लिख दीजिए, सी एल प्लस टू एन ए प्लस सी एल सी एच थ्री शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या हो जा, टू एन ए सी एल प्लस सी एच थ्री सी एच थ्री प्रोडक्ट बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। तो ये क्या, ईथर की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखिए एल्किल हैलाइड क्रिया यहाँ पे ये आपस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, आप लोग ध्यान दे चुके हैं, प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दे चुके हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दे चुके हैं, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं क्रिया तो प्रोडक्ट बनता है, यह ध्यान दे चुके हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया सोडियम के साथ अभिक्रिया, देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया में तीन अभिक्रिया लिखा रहा हूं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है, सोडियम वाला भी पूछता है। सोडियम वाला तो ऐसा बनता है ना, जिसे आप लोग क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक करते हो, वह बनता है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऐसा तत्व है जिससे आप कार्बनिक यौगिक का कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक बना सकते हो। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। मैं तीन ही रिएक्शन लिखाऊंगा धातुओं में, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा ना। नेक्स्ट अभिक्रिया है क्या? उत्सर्जन अभिक्रिया हो गया ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ क्रिया, यमजी के साथ क्रिया, मैग्नीशियम के साथ क्रिया किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ क्रिया है, मैग्नीशियम के साथ क्रिया यानी यमजी के साथ में क्रिया। ध्यान देना सभी लोग, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कैसे होती है? एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईथर है, शुष्क ईथर नहीं है, ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे यहां पर, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ध्यान देना सभी लोग, एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में
ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड ईथर के उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके, देखिए एल्किल हैलाइड जो है ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है इस जिसे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो है ना एक ऐसा यौगिक है जिससे आप कार्बनिक रसायन का कोई भी तत्व बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है, देखिए एल्किल हैलाइड है शुष्क ईथर, जिसे आर समझिएगा यहाँ पर आर एक्स है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा रूल लगा हुआ है ईथर, अब यहाँ पे शुष्क ईथर नहीं, केवल ईथर है शुष्क ईथर नहीं है, ईथर उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इनके बीच में आके बैठ जाएगा आर एम जी एक्स बना लेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं इसे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, आर एम जी एक्स बनाता है जिसे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सिमिलरली अगर एग्जांपल आपको और देना है तो इस तरह से दे सकते हैं आर सी एस थ्री सी एल, ये हो और ये एम जी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और ईथर की उपस्थिति में तो क्या होगा सी एस थ्री एम जी सी एल, और जिसे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहेंगे। ठीक है, ये आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाता है कब, मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया करने के पश्चात। लास्ट है अभिक्रिया जिंक के साथ में अभिक्रिया, आपके कुल रिएक्शन खत्म होते हैं एल्किल हैलाइड के, लास्ट क्या है जिंक के साथ में अभिक्रिया। मैं सभी को ट्रिक के जरिए पढ़ाया हूं, अब इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कब पूरा हेलो एरिन होने के बाद तो आपको परेशान नहीं होना है। क्या है लास्ट, लास्ट है आप सभी का कि जेडन यानी जेडन जिंक के साथ में अभिक्रिया, इसे फ्रैकलैंड अभिक्रिया भी कहा जाता है, फ्रैकलैंड अभिक्रिया या फिर जिंक के साथ में अभिक्रिया। ध्यान देना सभी लोग क्या होता है इसमें, जो है आप सभी का कोई भी एल्किल हैलाइड है जिंक धातु के साथ में गर्म करने पर एल्किन प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड को जिंक धातु के साथ में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे प्राप्त, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। कैसे अभिक्रिया होती है ध्यान देना सभी लोग, आर एक्स ये है आपका एल्किल हैलाइड है, इस क्रिया जिंक के साथ में करा रहे हैं। ठीक है, ये आर एस के दो अणु क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देखिए आर और आर आपस में जुड़ जाएंगे और एक्स टू यानी जेडियन सी एल टू बाहर निकल जाएगा, जेडियन सी एल टू आपका
बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली यही क्रिया अगर आपको करानी है, जैसे इस तरह से CH3Cl, ये क्रिया जिंक के साथ में आपको करानी है तो क्या होगा, दो यहाँ पे दो अणु लेंगे तो क्या होगा CH3CH3 ये आपस में निकल जुड़ जाएंगे और ZnCl2 बाहर निकल जाएगा इस तरह से, मतलब ZnX2 होगा यहाँ पर। मतलब आपको ये जिंक वाली क्रिया को याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका एल्किल मतलब हेलो एल्केन कंप्लीट होता है। अब हम लोग हेलो एरिन की ओर चलेंगे, ठीक है। हाँ, इससे पहले इसका हम लोग कुछ उपयोग है, दो तीन जगह किया जाता है, वह हम लोग पढ़ दें। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। पहला उपयोग यह है कि इसका उपयोग, सबसे पहला उपयोग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में किया जाता है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में किया जाता है, और जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, जो कि आपको कहाँ पे यूज किया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, जो कि आपको यूज किया जाता है कहाँ पे, कहाँ पे यूज किया जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बताइए जरा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक आप बना सकते हो पूरे कार्बनिक रसायन का, ठीक है, पहला तत्व का। दूसरा चीज आता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग एक जगह और किया जाता है, वह है TLE बनाने में। TLE बनाने में, क्या बनाने में, TLE बनाने में, टेट्रा, ठीक है, एथिलेट बनाने में, ठीक है, इसको बनाने में, टेट्रा एथिलेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टेट्रा एथिलेट एक अपना यौगिक है जिसका उपयोग काफ़ी जगह है, ठीक है। तीसरा है प्रयोगशाला में, शाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग PDF देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। ये देखिए, ये पूरा PDF है आप सभी के लिए ना, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पे इसका उपयोग मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन पढ़ेंगे, हेलो एरिन। चलिए हेलो एरिन के बारे में आपको समझा देते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए इसके रिएक्शंस हैं ना, ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए हेलो एरिन किसे कहा जाता है, ध्यान देना, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेलो एरिन पढ़ने जा रहे हैं। तो हेलो एरिन किसे कहा जाता है, आपके सामने बड़े और मोटे वर्ड में लिखा हुआ है, हेलो एरिन लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान से समझना सभी लोग, क्या होता है, आप लोग बेंजीन जिसे आप लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, उन एरोमेटिक यौगिक में जो हाइड्रोजन परमाणु थे उसके प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु के जो है उसका प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, हेलो एरिन बनता है, जो यौगिक बनता है उसे हेलो एरिन कहते हैं। अभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए समझा ही देते हैं आपको, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए पहले। नोट कीजिए सभी लोग फटाफट, ठीक है। तो चलें इसके आगे, अब हम लोग हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे ना। चलिए इसको रब करें, ठीक है, किसे कहा जाता है हेलो एरिन, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैं वैसे देखो बुक में देखोगे तो अनेकों डिफिनेशंस लिखे गए हैं, ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, आप लोग अभी तक क्या समझे थे, अभी तक क्या समझे थे कि सी, देखो ध्यान देना सभी लोग, CH4 था। अब ये समझना, ये जो हेलो एरिन, पहले समझ लेना हेलो एरिन में आपको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। हेलो एरिन है ना, अगर इसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा केमिकलिस्ट बन जाएंगे, सर ये नया नाम आप कहाँ से निकाल दिए केमिकलिस्ट, केमिकलिस्ट का मतलब यह है कि इसमें आपको वे सभी चीज़ें बना सकते हो जिन चीज़ों की आपकी आवश्यकता है,
अगर आपको सामान दे दिया जाए तो उसे बनाकर अपने यूज कर लोगे। जैसे आपको डीडीटी कितने लोग यूज करते हैं मालूम है? डीडीटी कौन कौन यूज किया है अभी तक? कोई नहीं किया होगा, अब उसका यूज बंद हो गया है। ये कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है, जो खरपतवार ऐसे कीटनाशक होते हैं उसको, अब ये जो होता है हेलोएरिन से ही बनता है। फिनाल, अरे फिनाल तो सभी लोग यूज किए होंगे, डॉक्टर ब्रांड फिनाल, नस ब्रांड फिनाल, कितने ब्रांड फिनाल होते हैं, वाइवार्ड ब्रांड फिनाल, तो फिनाल भी आपका हेलोएरिन से ही बनता है। मतलब आप क्लोरोबेंजीन बनाओगे उसके बाद बनेगा बेंजीन भी बनेगा। कोई भी चीज़ देख लीजिए, मैक्सिमम चीज़ें टायुलिन वगैरह जो भी चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती हैं आप देखते होंगे, वे सभी चीज़ें आपके लिए कहाँ से बनती हैं, हेलोएरिन से बनता है। तो हेलोएरिन जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हेलोएरिन किसे कहा जाता है? अभी तक हमने यह जाना था कि हेलोएरिन कैसे बने थे, यहाँ पे चार हाइड्रोजन थे, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है या दो हाइड्रोजन एस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा था, यानी जिससे आपका यहाँ पे तीन बचता था और यहाँ पे एक्स आके जुड़ जाता था, ये होता था, तो ये आपका हेलोएरिन बन जाता था हो जाता था ना। चार थे, एक विस्थापित होगा तो चार तीन बचे, और तीन जो बचे वो हेलोएरिन बन गया आपका, ये होता था ना यार। मान लीजिए एक नहीं दो विस्थापित हुए तो C2H2 हो जाता था, जितने हाइड्रोजन विस्थापित होते तो वो बन जाता था आपका, उतने आपके एक्स आ जाता है। एक्स का मतलब आप लोग जानते ही हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन में से एक एच विस्थापित होता है, जिस C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। हालांकि इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन इसको हम यह भी लिख सकते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हम एक्स के द्वारा विस्थापित कर दें, तो क्या बनेगा, C6H5X बनेगा, और ये आपका हेलोएरिन बन गया है, ये आपका हेलोएरिन बन गया है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप लोग इसे क्या लिखते थे, R लिखते थे, RX, इसको क्या लिखोगे, ARX लिखोगे, क्या लिखोगे, ARX लिखोगे। इसका मतलब हम कहीं पर भी ऐसा कोई तत्व आएगा मैं ARX के रूप में इसको ट्रीट करूँगा। अरे कौन साइंस वाले बहुत ही आलसी होते हैं, सच्चाई यह है। अब बताओ CH3 की जगह R लिख दे रहे हैं, दो वर्ड लिखने की जगह एक दो और तीन वर्ड लिखने एक वर्ड से काम चला रहे हैं। यहाँ पे C6H5 चार वर्ड लिखना है, दो वर्ड से काम चला रहे हैं AR से, हा? तो ये मेंटल लेवल का फर्क पड़ता है, आपको समझने वाली बात है। अगर C6H5 को हमेशा AR लिखेंगे, AR का मतलब कोई एरोमेटिक इस तरह से रिंग आपके पास है, यानी C6H5 है या एरोमेटिक है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। अगर AR लिखा तो RS लिख रहा था जैसे, उसे कन्फ्यूज नहीं होना था, उसी तरह AR लिखा तो भी कन्फ्यूज मत ही होना ना। तो सिंपल है, जैसे इसमें हो रहा था सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, बस यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ हो रहा है। अब इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CL जोड़ देते हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, इस तरह से। अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ पे जोड़ दें इस तरह से बिया, तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्रिया होती है ना। समझ में आया आपको, इतना लिख कर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखा वे सभी यौगिक जिसमें ये जो ब्रोमीन है ना, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इस तरह से भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर इस तरह से है, ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ आपका यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, और CH3 है, अब फिर एक्स आप इसकी क्रिया एक्स के साथ कराइए, तो एक्स क्या करे, इस CH3 में से आके जुड़ जाए इस तरह से, CH2X हो जाए इस तरह से। पहले एक्स डायरेक्ट इससे, पहले जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था डायरेक्ट इस बेंजीन से जुड़ता था, अब क्या बेंजीन से जुड़े हुए किसी समूह के साथ जुड़ रहा है, दो कंडीशन है कि नहीं है। पहले क्या था, ये डायरेक्ट जुड़ जाता है यहाँ से, अब क्या है, ये समूह के साथ जुड़ रहा है, पहले क्या था, ये डायरेक्ट जुड़ता था, अब क्या है, इससे से ये CH2 समूह इसके साथ जुड़ रहा है, पहले क्या था, ये डायरेक्ट जुड़ता था, अब क्या है, समूह के साथ जुड़ रहा है। दोनों में डिफरेंसेस समझ रहे हो? तो जब डायरेक्ट जुड़ता है इसे क्या कहते हैं,
ये डायरेक्ट जुड़ा है तब के लिए मैं ए आर एक्स लिखा हूँ, एरिल हैलाइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। देखो एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता, पहचान में आना चाहिए कि अगर डायरेक्ट जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो उसे एरिल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। इसको ए आर एक्स के रूप में लिखेंगे, ए आर एक्स लिखेंगे, एरिल मतलब ए आर से एरिल, ठीक है, हैलाइड कहेंगे और उसे ए आर एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट न जुड़ के इस तरह से जुड़ा है, इस तरह से पार्श्व में जाकर जुड़ा है, ऊपर तत्व के साथ जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे बताओ जरा, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एरिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? एरिलिक हैलाइड कहेंगे, ए री लिक हैलाइड, इसे एरिलिक हैलाइड कहेंगे। फिर से समझना, दोनों पॉइंट समझ लेना फिर से। अगर ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे एरिल हैलाइड, अगर ये डायरेक्ट ना जुड़ के बगल में आके जुड़ा हुआ है, ऊपर यहाँ वाले से जुड़ा है, आप इसको दो जोड़ भी सकते हो, इसके बाद ऐसे भी जोड़ सकते हो, CH X2 ये भी जोड़ सकते हो, मतलब दो हाइड्रोजन विस्थापित करके। तो यहाँ पे क्या था? ये बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या था? बेंजीन से जो जुड़ा है इस पर जाकर जुड़ रहा है, तो इसे एरिलिक हैलाइड कहेंगे, इसे एरिल हैलाइड कहेंगे। ये दोनों पॉइंट समझ में आए। अब ये जिनों ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे PDF में दिखा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है एरोमेटिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, ठीक है। मतलब वही हैलोजन परमाणु उपस्थित हो उसे हैलोजन एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, जैसे ये सभी यौगिक जो है उसे क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड कहेंगे, क्योंकि इसमें जो हैलोजन परमाणु हैं ये डायरेक्ट आप के जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? ये डायरेक्ट जुड़े हैं किसके साथ? ये डायरेक्ट जुड़े हैं आप सभी के बेंजीन के साथ, ठीक है। लेकिन इसके नेक्स्ट पेज पे जो ये सभी तत्व हैं, इन सभी तत्व को ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। ये बेंजीन ग्रुप से न जुड़ के आपकी तरह, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बताया था, यहाँ पे मैंने ये बताया था ना आपसे, ये वाले ये जो प्रोडक्ट बन रहा था, सिमिलरली ऐसा ही जुड़ा है, ऐसा ही जुड़ा है, ठीक है। ये डायरेक्ट न जुड़ के आपके ऊपर पार्श्व में जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे बताओ जरा? पार्श्व श्रृंखलित प्रतिस्थापन यौगिक कहेंगे। मतलब ये बगल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, बगल में जुड़ा हुआ है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? डायरेक्ट और बगल वाला ना। तो हेलो एल्किन क्या होता है और ये किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? अरे बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं? किसे कहा जाता है, क्या कहता है, एरिलिक किसे कहा जाता है, एलो, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सेम तो है, इसमें बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट हेलो एल्किन यानी एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसमें डायरेक्ट न जुड़कर ऊपर जो ग्रुप जुड़ा होता उस ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा स्याही भर लेता हूँ ना, सही हमने भर लिया, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? एरिलिक ग्रुप किसे कहा जाता है? ये डायरेक्ट जुड़ा नहीं जुड़ा होता, ये ऊपर इसके साथ जुड़ा होता है। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यार। ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये यहाँ पे देखो डायरेक्ट इससे जुड़ा है, लेकिन ये इससे ये जुड़ा है और इससे जाकर एक्स के रूप में वह जुड़ा हुआ है, इससे जाकर एक्स के रूप में वह जुड़ा हुआ है। है ना, है कि नहीं है बताओ? बात तो है ना, किसे किसे क्या क्या कैसे जुड़ा हुआ है। बोलो अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसके बनाने की विधियां पढ़ना है, कैसे कैसे इसे बनाया जाता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है।
कैसे कैसे इसे बनाया जाता है इसको हमें पढ़ना है, और इन सभी चीज़ों को तो मैं बहुत ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब आप लोग हेडिंग करिएगा हेलो एरिन के बनाने की विधियाँ, या फिर हेलो एरिन में आपको क्लोरोबेंजीन ज़्यादा पढ़ना होता है, आप इसमें से केवल इसी क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्लोरोबेंजीन से संबंधित ही रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्लोरोबेंजीन को ही लेकर पूरा रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को यानी AlCl की रूप में, ठीक है। तो चलिए इसके बनाने की विधियाँ पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, PDF जरूर ले लेना सभी लोग। ठीक है, जय मां सरस्वती सभी के लिए, है ना। है ना, ठीक है। अब बनाने की विधियाँ, इसे बनाएगा बनाया जाएगा कैसे, ठीक है। हेलो एरिन बनाने की निर्माण की विधियाँ, हेलो एरिन निर्माण की विधियाँ, ठीक है। सबसे पहला विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला विधि क्या है, सबसे पहला विधि प्रयोगशाला में कैसे इसे बनाया जाता है इसको ध्यान देना। अब ध्यान देना सभी लोग, प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है ये ध्यान देना, क्योंकि देखिए प्रयोगशाला का हम यहाँ पे फ्लास्क व्लास्क ले आके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है, एग्जाम में यही पूछता है कि प्रयोगशाला विधि से हेलो एरिन कैसे बनाते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधे सीधे समझ लेना है, फालतू की बातें नहीं करनी है यहाँ पे, नहीं कि फिगर बनाओ। हाँ, जिसका फिगर डाइएथिल ईथर का पूछा जाता है उसका मैं बना के दिखाऊंगा, डाइएथिल ईथर जब आप लोग पढ़ोगे तो उसका पूछा जाता है उसका मैं बना के दिखाऊंगा। हेलो एल्कोहल में एथिल डाई का एथिल एल्कोहल का पूछा जाता है उसका मैं बनाऊंगा, जिसका पूछा जाता है उसका मैं बनाऊंगा, इसका नहीं पूछा जाता इसलिए नहीं बना रहा हूँ, केवल रिएक्शन बता रहा हूँ। देखो एक होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसकी अभिक्रिया Cu2Cl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड यानी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में कराने पर HCl की उपस्थिति में तो क्या होता है क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। किसकी अभिक्रिया करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अभी मैं बताऊंगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ में कराना है, क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या होता है Cu2Cl2 के उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ कराने पर HCl के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, HCl के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर आपका क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराने पर क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, क्या प्राप्त होता है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराने पर आपका प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है, आपका प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब बात क्लोरोबेंजीन की नहीं है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं ध्यान देना, इसे प्रयोगशाला विधि भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है अभी मैं बताऊंगा। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ऐसे लिखा जाता है, और मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये जो शब्द जहां भी लगाओ समझना वहां पे आपकी नाइट्रोजन होते हैं, यहां पे डाई ये जो लगा है डाई एजो का मतलब दो नाइट्रोजन है यहाँ पर, डाई एजो का मतलब दो नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, दो नाइट्रोजन है, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, किसके उपस्थिति में किसके साथ कराना है, हमें इसकी क्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ करानी है,
यही प्रयोगशाला विधि है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन जो है, आपको मालूम है नाइट्रोजन गैस होता है, मैंने कहा जहाँ पर भी गैस होती है वो बाहर निकल जाते हैं, वो रहते नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस आपस में क्रिया करके N2 के रूप में बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर? जब N2 के रूप में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया तो बचेगा क्या यहाँ पे, बताओ बचेगा क्या यहाँ पे? बचेगा तो यही Cl, और बचेगा Cl तो Cl जाके ऐसे जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। ये आपका क्या बना? क्लोरोबेंजीन बना। ये आपका क्लोरोबेंजीन बना, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला विधि कही जाती है, और इसी विधि को हम लोग सेंडमायर रिएक्शन भी कहते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ये तो आपका एक विधि हुआ। सेकेंड विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेकेंड मेथड बताने जा रहा हूं। सेकेंड मेथड क्या है, ध्यान देना सभी लोग, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, ध्यान देना सभी लोग। ये तो सेंडमायर अभिक्रिया हो गया, ठीक है। सेकेंड विधि क्या है आपका, ये तो पहला हो गया। दूसरा विधि क्या है? गैटरमैन अभिक्रिया। गैटरमैन अभिक्रिया भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और दोनों सेम है, केवल एक कॉपर का डिफरेंस है, कभी कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं दोनों साथ में लिखा रहा हूँ। सेकेंड क्या है? गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन अभिक्रिया, गैटरमैन अभिक्रिया, गैटरमैन अभिक्रिया, गैटरमैन अभिक्रिया सेकेंड रिएक्शन है। गैटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान देना, गैटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, गैटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। गैटरमैन अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कॉपर के चूड़ के साथ में HCl के साथ अभिक्रिया होती है। बेंजीन, इसमें क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं, दोनों को मैं एक साथ लिखाऊँ तो मैं समझाऊंगा जो समझाना चाहता हूँ। गैटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ होती है? कापर और HCl के साथ होती है, ठीक है, इसके साथ होती है, और क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्रिया कापर और HCl के साथ में होती है, और हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब ध्यान देना सभी लोग, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ध्यान देना इस साइड सभी लोग, ये क्या है आपका, ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ध्यान देना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम बना रहे हैं, एन डबल बॉन्ड HCl, इसे याद कर लो, ये आगे बहुत काम देगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया केवल कापर के साथ में करा रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, केवल कापर के साथ में इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ। जब कापर और HCl के साथ में, तब पर भी ये क्या करता है? N2 बाहर निकाल देता है, और साथ में Cl यहाँ पे जुड़ता है, ये यहाँ पे कौन जुड़ा है? Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये गैटरमैन अभिक्रिया, तो ये दोनों अभिक्रियाओं को आप देखिए, इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या सिमिलरिटी है, केवल आपको यहाँ पे Cl2 का Cl, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे C2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है? कापर है, यहाँ पे क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड है, यहाँ पे केवल और केवल कापर है, यहाँ पे क्या था? क्यूप्रस क्लोराइड था, और यहाँ पे क्या है? कापर है, तो दोनों सिमिलर है, कोई डिफ्रेंसेज नहीं है आप सभी के लिए, केवल और केवल यहाँ पे कापर है, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड है, ये दोनों, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पे कापर, अगर क्यूप्रस क्लोराइड रहता है इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहा जाता है, जबकि अगर कापर होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? गैटरमैन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रहा है? बोलो, बताओ सभी लोग, कहाँ पे गैटरमैन होता है, कहाँ पे क्यूप्रस सेंडमायर होता है, ये समझ में आ रहा है ना? अब ऐसा काम करो आप लोग,
कमेंट बॉक्स में जाओ और गाटर मानव क्रिया का जो ये अभिकर्मक है और सेंड बार, इनको दो दो बार कमेंट करो सभी लोग। इससे क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी आपको, ठीक है। सेंड मार का जो ये अभिकर्मक, क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम है, केवल और केवल यहाँ पे ये अभिकर्मक का डिफरेंसेज है, यहाँ पे कापर और HCl है, यहाँ पे CO2 Cl2 और HCl है, दोनों रिएक्शन सेम है। समझ में आया सभी को, करो कमेंट बॉक्स में कमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, स्क्रीन शॉट लेना ले लो, ठीक है, ओके, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नए रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सेंडमायर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन पढ़ा, और ये दोनों रिएक्शन सेम है, बस थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उत्प्रेरक का डिफरेंस है, उसमें बाबा जी दूसरा थे और इसमें बाबा जी दूसरा है ना, उत्प्रेरक मतलब बाबा जी। जैसे आप लोग शादी में जाते हो, फिर से मैं समझा देता हूँ, वैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में, आप लोग शादी में जाते हो तो बाबा जी क्या करते हैं, आप लोगों की शादी करवाते हैं और जल्दी से जल्दी संपन्न कराते हैं। जैसे आप जाओगे, अभी नहीं गए होंगे मुझे मालूम है, कुछ लोग गए भी होंगे क्या पता, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑफिशियली शादी कर रहे हैं, आप जाते हैं वहाँ पे, तो बाबा जी क्या करते हैं, आपकी शादी करवाते हैं, अपनी शादी नहीं करते हैं। इसी तरह उत्प्रेरक होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं, स्वयं उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सेंडमायर रिएक्शन में उत्प्रेरक क्या है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए। तो सेंडमायर अभिक्रिया में क्या उत्प्रेरक था, और गाटरमान अभिक्रिया में क्या उत्प्रेरक था, ये दोनों चीजें एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को अभी तक याद है, मतलब तुरंत याद है, तुरंत तो भूल नहीं गए, ठीक है। अब चलिए हम लोग फिर से बनाते हैं क्लोरोबेंजीन को, किससे, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन हम लोग बनाते हैं, किससे बनाते हैं, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से ठीक है, फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। मैं लेक्चर को कंप्लीट हो जाने दो, लास्ट में दो चार क्वेश्चन दूंगा हम, ठीक है, आप उसे करना। उसके अलावा मैं इस पूरे चैप्टर्स का मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें भी करा दूंगा, ठीक है, आप जुड़े रहना, जब भी कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा ना। चलिए देखिए फिनॉल से कैसे होता है, सबसे पहले आप लोग जानो फिनॉल क्या होता है। आप लोगों घर में सफाई उफाई के लिए यूज किया जाता है डॉक्टर ब्राउन फिनॉल, नस ब्राउन फिनॉल, तो वही फिनॉल होता है। फिनॉल का सूत्र जो होता है, आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में, यहाँ पे समझ लीजिए फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ये फिनॉल का सूत्र है OH, ठीक है, ये फिनॉल का सूत्र है। इससे अगर आपको ज्ञात करना है क्या क्लोरोबेंजीन, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना सभी लोग, इसकी क्रिया कराएंगे PCl5 से, किससे कराएंगे PCl5 से। जब PCl5 से इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ OH के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा, OH के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा Cl जुड़ जाएगा, OH के स्थान पर सॉरी Cl जुड़ जाएगा, ठीक है, और साथ में POCl3 और साथ में HCl नहीं H2O बनेगा, ठीक है, साथ में POCl3 और साथ में HCl बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है, 3 1 4 1 5 सही है, POCl3 प्लस HCl बनेगा। इस तरह से फिनॉल से हम लोग क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। तो फिनॉल से कैसे प्राप्त करते हैं क्लोरोबेंजीन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है। और हाँ एक और रिएक्शन है छोटा सा, अगर इससे आप नहीं कर पाते तो फिनॉल से इस रिएक्शन से भी कर सकते हो, उसे काफी बुक में दिया होता है, ये OH है और इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दो, NaCl के साथ करा दो। जब इसकी क्रिया NaCl के साथ कराओगे तो सीधी सी बात है, यह NaCl जो है, ये जो Cl है आकर यहां पर जुड़ जाएगा, Cl यहां पर जुड़ेगा और NaOH बाहर निकलेगा, ठीक है। इससे भी फिनॉल से प्राप्त कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेनिन। फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेनिन, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे प्राप्त करोगे, इस दोनों में से कोई भी रिएक्शन से आप लिख सकते हो ना। चलिए ठीक है, ये समझ में आया सभी को, एक बार नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आता है कि बेंजीन से आप लोग कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन से ना, तो आप लोग ठीक है बेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन, ये पूछता है एग्जाम में, बेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे। बेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन से कैसे आप प्राप्त करोगे क्या फिनाल, ठीक है सर क्लोरोबेंजीन। देखिए बेंजीन से प्राप्त करने के लिए कुछ बाबा जी का नाम लिखिए, कुछ उत्प्रेरक का नाम लिखिए, इन सभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग प्राप्त करते हैं। कुछ उत्प्रेरक का नाम लिखिए सभी लोग, क्या उत्प्रेरक के रूप में आप एफी का यूज कर सकते हैं, एफी सी एल थ्री का यूज कर सकते हैं, ए एल सी एल थ्री का कर सकते हैं, आई टू का यूज कर सकते हैं, क्या एफ ई का यूज कर सकते हैं या फिर एफी सी एल थ्री का कर सकते हैं या एफ ई सी एल थ्री का कर सकते हैं या एफ ई ए एल सी एल थ्री का कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप आई टू का यूज कर सकते हैं या आई टू, ये सभी आपके क्या हैं उत्प्रेरक हैं, इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जब कोई भी एक यूज करोगे, कोई भी एक यूज करोगे ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन है और इस बेंजीन में हम क्रिया करा रहे हैं सी एल टू से, ठीक है, और यहां पर इसमें से एक उत्प्रेरक यूज कर लेते हैं एफ पी सी एल थ्री, तो क्या बना देगा, सीधे सीधे यहां पर आके सी एल जाके जुड़ जाएगा और क्लोरोबेंजीन बना देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा और इस तरह से जाके जुड़ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को। और जो ये क्रिया होती है, एक चीज और ध्यान देना, ये क्रिया भाई दिन में नहीं होती है, यह क्रिया दिन में होती ही नहीं है। कब होती है सर, दोपहर में, नहीं दोपहर में भी नहीं होती, दिन में नहीं होती, यह क्रिया अंधेरे में होती है, अंधेरे में, अंधेरे में, ठीक है। इसमें कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेंजीन का, बेंजीन का क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ एफ ई सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री और क्या एफ ई और या फिर आई टू, इसमें से या कर देना उत्प्रेरक के साथ में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, इसके उपस्थिति में क्रिया कराने में क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है समझ में आया, ठीक है। चलिए अब ये आपका हो गया ठीक है बेंजीन से, अब बेंजीन के बाद किससे प्राप्त करना है, आपको हमने किसे किसे बताया, फिनाल से बताया, बेंजीन से बताया, गैटरमैन और सेंट बायर रिएक्शन बताया, ठीक है। एक और रिएक्शन बताऊंगा, रसिंग प्रक्रम, रसिंग प्रक्रम जिसमें आपकी क्या होती है, बेंजीन की क्रिया होती है, इसमें भी बेंजीन से ही प्राप्त किया जाता है रसिंग प्रक्रम में, और इसमें क्या होता है, बेंजीन से क्रिया होती है, एच सी एल वाष्प तथा वायु के नियंत्रण के साथ रक्त तप्त सी यू सी एल टू और एफ ई सी एल थ्री के उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया कराया जाता है तो आपका प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, रसिंग प्रक्रम, एक दूसरा होता है रसिंग प्रक्रम, इसको मिटा दें, एक होता है रसिंग प्रक्रम, रसिंग प्रक्रम, रसिंग प्रक्रम, रसिंग प्रक्रम में क्या होता है, रसिंग प्रक्रम में क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखिए बेंजीन की क्रिया एच सी एल के वाष्प, बेंजीन की क्रिया जो है एच सी एल के वाष्प, एच सी एल के वाष्प तथा, देखिए बेंजीन की क्रिया एच सी एल के वाष्प तथा, एच सी एल के वाष्प तथा रक्त तप्त, तथा रक्त तप्त एफ ई सी एल थ्री या फिर ए एल सी एल थ्री की उपस्थिति में
रक्त तत्व या फिर सी एल थ्री या फिर यस ए एल सी एल थ्री की उपस्थिति में, देखिए बेंजीन की क्रिया या सी एल वाष्प तथा रक्त तत्व या फिर सी एल थ्री तथा ए एल सी एल थ्री की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। कराने पर क्या होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रसिंग प्रक्रम कहते हैं। रसिंग प्रक्रम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रसिंग प्रक्रम कहते हैं। देखना कैसे कैसे यह अभिक्रिया होती है, ध्यान देना सभी लोग। यह आपका बेंजीन है तो ये बेंजीन से दो विधि बताया हमने, तो एक उत्प्रेरक वाला विधि बताया, एक यह वाला विधि बता रहा हूं। इस बेंजीन की क्रिया हम लोग कराएंगे HCl, HCl का वाष्प होगा साथ में वायु भी होगा, ठीक है, वायु भी होगा, इसकी उपस्थिति में एक क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। जब इसकी क्रिया HCl के वाष्प तथा वायु की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका रक्त तप्त, जो रक्त तप्त CuCl2 तथा FeCl3, AlCl3 नहीं होगा, Fe, ठीक है, Fe, इसकी उपस्थिति में, यानी कि देखिए HCl के वाष्प तथा वायु, HCl के वाष्प तथा वायु तथा CuCl2 तथा Fe, अरे यार क्या लिख दिया हूँ मैं, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। देखो यह बेंजीन है, बेंजीन क्रिया HCl तथा वायु की उपस्थिति में CuCl2 तथा FeCl3 के उत्प्रेरक क्यों, ये उत्प्रेरक है, इसके साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, ध्यान देना सभी लोग, क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे कहते हैं रसिंग प्रक्रम, इसे क्या कहते हैं? रसिंग प्रक्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रसिंग प्रक्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रसिंग प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन कुछ गुण है, क्लोरोबेंजीन जो होता है यह एक वाष्पशील यौगिक है। ये समान ताप पर क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। ये क्लोरोबेंजीन के कुछ गुण बता रहे हैं हम, ये क्या होते हैं? समान ताप पर क्या होते हैं? वाष्पशील यौगिक है, ठीक है। और इसका जो है रंगहीन द्रव होता है, इसका रंग कैसा द्रव होता है? रंगहीन द्रव होता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन का एग्जामिनर थोड़ा दिमाग सटक जाता है, जब सटक जाता है तो आपको पटक पटक के क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा इसकी क्रिया इसके कराने पर ये बनता है और इस यो बनता है, उसको वाष्पशील यौगिक है साथ में रंगहीन द्रव है, तो बताइए ये कौन सा यौगिक है? तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी कि यह वाष्पशील यौगिक होता है साथ में रंगहीन होता है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान सुनना, दूसरी बात यह है कि जो वाष्पशील है और रंगहीन यौगिक है, ये इस पर आधारित एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कब? जब न्यूमेरिकल की, जब इस चैप्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन का, तब, ठीक है। और साथ में ये भी आपको जानना चाहिए कि इसका क्वथनांक जो है 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तीन प्रॉपर्टी है, तो आपको मैंने कैसे कैसे किससे किससे बनाने बताया क्लोरोबेंजीन को। सबसे पहले मैंने सैंडमायर रिएक्शन बताया, सैंडमायर अभिक्रिया बताया, उसके बाद हमने गैटरमैन अभिक्रिया बताया, मान अभिक्रिया ये बताया। आपको करना क्या है, जितना मैं बता रहा हूं सबका उत्प्रेरक आओ कैसे होती है क्रिया, ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे, फिर बेंजीन से, बेंजीन में मैंने दो विधि बताया, एक रसिंग प्रक्रम वाला और एक सिंपल विधि बताया, ठीक है, जिसमें उत्प्रेरक वाला था, ठीक है। ये चार से पांच रिएक्शन हमने आपको कराया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कराया, चलिए। और स्टैंडमायर वाले को प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो सबका उत्प्रेरक और रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या उसमें क्रियाएं होती हैं, किस टेम्परेचर पर होती है, ये सभी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ना समझ में आ रहा है ना, ये सभी रिएक्शन समझ में आ रहा है ना, रिएक्शन को याद तो ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा ना, ट्रिक बैठ रही है दिमाग में ना, चलिए बैठनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो मेहनत कर रहा हूँ, चार चार घंटे की क्लासेज पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, मैं ही दे रहा हूँ, ओके खड़े होके एक साथ,
सब लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं, वो अभी देते हैं, उसके बाद उसको ज्वाइन करके आपको दे देते हैं। मैं जो लेक्चर दूंगा, मेरा जो लेक्चर होगा, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, दोनों डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ आपको लंबे लंबे लेक्चर कंप्लीट करा दूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे के रूप में कराऊँ। ठीक है, ये मेरा प्लानिंग है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से मैं केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ाता हूँ जो चीज़ें आपकी एग्जाम में आती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप लोग सीधी सी बात है, जो आप लोग आईपीसी नेम पढ़ रहे हो ना, एक भी आईपीसी नेम आपकी एग्जाम में नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सोचे सर आईपीसी नेम नहीं आएगा तो हम कैसे तत्वों का नाम लिख पाएंगे। देखो, पढ़ते पढ़ते सबका नाम आ जाएगा। मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट बार मैं पढ़ा रहा हूँ, अंतिम बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये फर्स्ट बार ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अंतिम बार नहीं। अब इस चैप्टर को कितना बार मैं आपको पढ़ाऊँगा ये आपको भी नहीं मालूम, क्या पता। ठीक है, कम से कम 8 से 10 बार एक ही चैप्टर को मैं कराने का उद्देश्य रखा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं एक ही साथ तेजी से कंप्लीट करा रहा हूँ ना। तो ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, हेडिंग करना है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म पहला गुणधर्म है आपका, ठीक है, पहला गुणधर्म है आपका किसका, पहला गुणधर्म है आपका NaOH के साथ क्रिया। NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ कैसे क्रिया करता है और क्या बनाता है। देखिए, क्लोरोबेंजीन जो होता है जलीय NaOH के साथ में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन को, देखिए क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH, जलीय NaOH, देखो ये ध्यान देना, ये जलीय NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर, तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन होती है ध्यान देना सभी लोग। ये आपका क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन, ध्यान देना सभी लोग, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन को हमें क्या करना है, NaOH के साथ में, ये NaOH जो है एक्वस है, यानी एक्यू मतलब एक्वस मतलब जली है। ठीक है, इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था जहां पर भी Na है ये Cl को लेकर भाग गया, क्योंकि ये दोनों आपस में लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो लेकर भाग गया। तो बचा हुआ ये बेंजीन का रिंग और OH आपस में जुड़ जाएंगे और इसे आप लोग कहते हो फिनाल। और फिनाल का कई ब्रांड आता है, डॉक्टर ब्रांड और नर्स ब्रांड। ठीक है, वैसे डॉक्टर ब्रांड वाला बहुत ही बढ़िया होता है ना, यूज किए हो ना फिनाल, और साथ में NaCl भी बनेगा। अरे NaCl को क्यों भूल जा रहे हो, ये नमकवा को क्यों भूल जा रहे हो, बिना नमक का कोई दिक्कत है हुजूर, आपका तो नमक खाया हूँ मैं ना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, आपको एक कॉमन सेंस था कि Na और Cl आपस में जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जानो, और इसे अलावा मत जानो ना। अमोनिया के साथ क्रिया, नेक्स्ट क्रिया है अमोनिया के साथ, अब क्रिया है अमोनिया के साथ क्रिया, हेडिंग करिएगा अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अब क्रिया, अमोनिया के साथ अब क्रिया, अमोनिया के साथ अब क्रिया NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे बेंजीन है, ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है Cl, ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन का जब हम NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया था, HB जहाँ किसी को अकेले में देखता है, HB जहाँ किसी को अकेले में देखता है तो क्या होता है, जब H अकेले में देखता है तो ध्यान देना सभी लोग, जब जहाँ H अकेले को देखता है, जब H अकेले में किसी को देखता है तो क्या करता है वह H, यह H जो है इस HCl को लेकर भाग जाता है। मैंने बताया था आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो और Ag हो, H हो या कोई धातु हो, ये सभी हमेशा X के साथ लव करते हैं, क्या करते हैं, X के साथ लव करते हैं, यानी यश को देखते ही ये भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, कहाँ भागेंगे, बहुत दूर भाग जाएंगे,
सात जन्म पार चले जाएंगे, सात जन्म पार, ठीक है ना, क्योंकि लव कर रहे हैं भाई। तब देखो यहाँ पे क्या था, यज था, यज था, इस सीएल को लव करेगा, सीएल को लेकर भाग जाएगा, माइनस यज सीएल हो जाएगा, माइनस यज सीएल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस एच सीएल हो जाएगा, ध्यान देना, ये माइनस एच सीएल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे जब यच निकल जाएगा दो ही एच बचेगा ना, तीन एच था, एक एच निकला तो दो एच बचेगा, और बचा हुआ स्थान सीएल का, वो बचा हुआ दो एच वाला जो है ये घारण कर देगा, एन एच टू बना देगा, और साथ में एच सीएल बाहर निकाल देगा, साथ में एच सीएल बाहर निकाल देगा, साथ में एच सीएल बाहर निकाल देगा। अमोनिया के साथ क्रिया हो गई आप लोगों की, अमोनिया के साथ क्रिया हो गई, बताइए ठीक है, नोट कीजिए सभी लोग, हट गया हूँ एकदम सामने से, अब इसका हैलोजनीकरण मैं आपको बताऊंगा, हैलोजनीकरण यानी कि इसमें जो सीएससीएल जुड़ा है वो तो हैलोजन है, यानी हैलोजन वाले से ही क्रिया, हैलोजन वाले से ही क्रिया। अब एक्स का मतलब तो आप लोग जानते हो क्या, सीएल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इस हेडिंग करिएगा हैलोजनीकरण, क्या हेडिंग करना है, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन होता है, या क्लोरोबेंजीन जो होता है, इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया आप लोग कर रहे हो सर, स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा रहे हो, ठीक है स्टेटमेंट उठना जरूरत नहीं है, ये क्लोरोबेंजीन जो है उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक यानी यहाँ बाबा जी जो हैं, बाबा जी कौन कौन से होते हैं क्लोरोबेंजीन के, ये बाबा जी होते हैं एफ ई सी एल थ्री, ए एल सी एल थ्री, या फिर ए एल सी एल थ्री, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर आई टू, इनमें से कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह जो क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हुआ ना, क्लोरोबेंजीन, यह जो क्लोरोबेंजीन है इन सभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में सीएल टू के साथ ही क्रिया करता है, सेम के साथ ही क्रिया करता है, मान लीजिए एफ ई सी एल थ्री की उपस्थिति में हो रहा है, तो क्या करता है ये सीएल टू, यहाँ पे दो, ये सीएल टू यहाँ पे दो जगह पे आपका जुड़ता है। देखो दो प्रॉब्लम आती है, इसे मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो पहली बात तो ये होता है, इसमें कोविड 19 का समय था, दो कंडीशन बनाता है, कोविड 19 का समय है और दो कंडीशन बनाता है, दो कंडीशन बनाता है, ठीक है, दो कंडीशन बताता है, देखिए ये सीएल है ठीक है, दोनों है, यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे आता है, कौन कंडीशन, दो कंडीशन आता है, दो कंडीशन आता है, पहला कंडीशन कौन सा है, पहला कंडीशन कौन सा है, देखो ये जो सीएल है इस सीएल के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ सीएल जो होते हैं ये सोचते हैं कि कोविड 19 का समय है, पास बैठेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, और इससे एक कुर्सी छोड़कर दो मीटर दो गज की दूरी है जरूरी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को याद रखते हुए एक जगह छोड़कर, एक सीट छोड़कर बैठ जाते हैं, और अधिकतम लोग यही करते हैं, कुछ याद करना पड़ा आप लोगों को, अधिकतम लोग यही करते हैं, एक जगह छोड़कर बैठते हैं, इसमें कुछ याद तो नहीं करना पड़ा, एक चीज ध्यान देना, ये जो देखे आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, कोई भी ग्रुप यहां पे जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप यहां पे एक्स जुड़ा हो, तो एक्स के सापेक्ष ये पोजीशन यहां पे कोई, ये आर्थो कहा जाता है, ये पैरा कहा जाता है, ये मेटा कहा जाता है, इसी तरह ये आर्थो कहा जाएगा, ये पैरा कहा जाएगा, या मेटा कहा जाएगा, तो जरा बताइए कहां कहां जुड़े हैं, आर्थो और पैरा पे जुड़े हुए, ठीक है, ये आर्थो पे यानी आर्थो तथा पैरा पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, आर्थो और पैरा पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक कंडीशन आर्थो पे जुड़ा है, एक कंडीशन पैरा पे जुड़ा है, आर्थो और पैरा पर जुड़ जाएंगे, आर्थो और पैरा पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, नोट कीजिए सभी लोग, फटाफट नोट कीजिए, ज्यादा रिएक्शन नहीं है, चार पांच रिएक्शन और है, और सभी रिएक्शन इसी ट्रिक पे हो जाएगा,
अब मिनिमम रिएक्शन मैं लिखा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए इसका क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण मैं लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अब हेडिंग करिएगा नाइट्रीकरण, ठीक है। हैलोजनीकरण के बाद ये सब पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप देखेंगे नाइट्रीकरण के बाद हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण सॉरी हैलोजनीकरण के बाद नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। अब ये नाइट्रीकरण में क्या होता है, देखिए इसमें जो उत्प्रेरक होता है, देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है अभिक्रिया समझ लीजिए सभी लोग पहले। अब देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये नाइट्रीकरण किसे कहा जाता है और नाइट्रीकरण होता क्या है। देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रीकरण में क्या होता है, देखिए सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ कम ताप पर करीब 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर नाइट्रीकरण हो जाता है। देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट लिखना है, यहां पर जरूरी स्टेटमेंट, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 इन दोनों के साथ में, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ में, इन दोनों के साथ में यहां पर क्या होता है, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ में जब हम क्रिया कराते हैं, के साथ में किसकी क्रिया कराते हैं, हैलोजन नहीं क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है पर, तो आर्थो और पैरा पर, आर्थो और पैरा पर, आर्थो और पैरा पर क्या हो जाता है, आर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, आर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है, आर्थो और पैरा पर, आर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। अब ध्यान देना सभी लोग, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के क्लोरो बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, 60 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ध्यान देना सभी लोग क्या होता है, देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, मैं यहां पर भी वही ट्रिक लगाऊंगा, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन आपका HNO3 के साथ में क्रिया कर रहा है और ये CONC मतलब कॉन्क है मतलब सांद्र है और H2SO4 की उपस्थिति में ये भी सांद्र है, ये दोनों के साथ में क्रिया कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी दो पोजीशन बनेंगे और यहाँ पर भी कोविड के नियम का पालन किया जाएगा, ठीक है, सीएल होगा, दूसरा पोजीशन ये बनेगा आपका ये वाला सीएल, ठीक है। इस दोनों पोजीशन में क्या होगा यहाँ पे विशेष, ये HNO3 में से HNO2 समूह है यहाँ दो जगह पे जाके जुड़ेगा, एक तो यहाँ पे जुड़ेगा, ये भाई कुछ लोग हैं जो कि कोविड नियम का पालन ही नहीं करते, बेवकूफ़ लोग हैं, जान चली जाएगी इन लोगों की, बता रहे हैं, लेकिन अधिकतम लोग पालन करते हैं और यहाँ पे एक जगह छोड़कर यहाँ पे जाके बैठते हैं, और आप लोग भी क्या करो, ये अधिकतम मात्रा में बनता है, अधिकतम मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है, ठीक है, ये कम मात्रा में बनता है, तो इसे कहते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसे कहेंगे पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाए, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ जाए, इस ग्रुप के सापेक्ष ये आर्थो कहा जाता है, ये पैरा ये मेटा, ये फिर याद रखना, ये आर्थो ये पैरा ये मेटा, इस कंडीशन में बात होती है आर्थो पैरा मेटा। तो नाइट्रीकरण कैसे होता है, HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड आग गर्म करते हैं तो क्या होता है, आर्थो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये सभी चीजें आपको मैं बता दिया हूं ना,
आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है, कुछ नहीं, कोविड नियम का पालन, ठीक है, कोविड का नियम जो है पालन करना चाहिए भाई। अब हम एक शब्द चेंज करेंगे, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। देखिए नाइट्रीकरण के बाद हम लोग क्या करेंगे, सल्फोनीकरण, ठीक है। अब सल्फोनीकरण में मुझे ज्यादा नहीं बताना है, मुझे सीधे सीधे कराना है काम, ठीक है। सल्फोनीकरण में क्या होगा ध्यान देना सब लोग, ठीक है, आप लिख सकते हो कुछ नहीं करना है, एक क्रिएशन याद तो सब याद, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, ध्यान देना सभी लोग, सल्फोनीकरण में क्या हुआ, सल्फोनीकरण में क्या होता है, सल्फोनीकरण जो होता है इसमें सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया होता है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया होता है। अब ये H2SO4 है, H2SO4, ये जो H2SO4 है इसमें से दो कंडीशन पे आर्थो ऑपरा, कुछ लोग भाई कोविड के नियम के पालन करेंगे H2SO4 में, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ हो गया, ये आर्थो क्लोरो सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो क्या है, क्या है बताइए उसका नाम, हाँ आर्थो क्लोरो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये पैरा क्लोरो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, नोट कीजिए सभी लोग इसे। तो गाइस देखिए ये तो आपका सल्फोनीकरण हो गया, अब हम इसी के आधार पर एक फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बताने जा रहे हैं। अब देखिए नाम है बस फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, और काम है एग्जाम में बार बार आना, और आपका काम है इसे रट जाना, लेकिन कुछ नहीं है, सेम है इसी तरह से एकदम सिंपल है, एकदम फर्स्ट एक बार में आपको आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ठीक है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट का सिंपल है एकदम, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का स्टेटमेंट लिखना आपके लिए जरूरी है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान देना सभी लोग, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं, एक मिनट, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं, एक मिनट, डेस्टर्स, चलिए डेस्टर्स था उधर चला गया था, ठीक है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को समझते हैं, बाकी रिएक्शन यही रहेगा, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट का, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में जो क्रिया होती है किसके किसके बीच में होती है जानते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरो बेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो होती है किसके साथ होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो होती है ना, किसके साथ, CHCl3, आप अभी नाम CH3Cl इसी की आप सीधे नाम ही याद कर लीजिए, ये क्या है आपका, एस्टिल क्लोराइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड ही है ना, हेलो एल्किल, इसके साथ में क्रिया होती है फ्रीडल क्लोरोबेंजीन क्रिया, इसके क्रिया CH3Cl के साथ में, साथ में AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है, AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कही जाती है, यह अभिक्रिया क्या कही जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कही जाती है। देखिए यह क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया किसके साथ में कराओगे, अरे यार एक मिनट, क्लोर ये नहीं प्राप्त होता है, करने पर क्या प्राप्त होता है, क्रिया कराने पर आपका प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम आपका होता है, एक मिनट, CH3Cl, आर्थो और पैरा टायुलिन, आर्थो या फिर पैरा क्लोरो टायुलीन प्राप्त होता है,
ठीक है, कैसे क्रिया होती है, देखिए एक क्लोरोबेंजीन होगी, इसी क्रिया CH3Cl कराएंगे और यहाँ पे AlCl3 उपस्थिति में होगा, AlCl3 की उपस्थिति में होगा, ठीक है, इसके साथ क्रिया कराएंगे और यहाँ पे AlCl3 की उपस्थिति में होगा, तो ये जो CH3 है दो जगह पे जाके जुड़ेगा, एक तो R2 पे जुड़ेगा Cl के साथ, CH3 के यहाँ एक पैरा पे जुड़ेगा, दो जगह जाके जुड़ेगा। सिमिलरली COVID-19 का पालन ये नहीं करता है, ये पालन करता है, ये भाई साहब जो है COVID-19 का पालन नहीं करते, बगल में जाके बैठ जाते हैं, ये COVID-19 का पालन करते हैं और दूर जाकर बैठते हैं, दूर जाकर बैठते हैं, ये अधिकतम मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है, इसे कहा जाता है आर्थो, या इसे ओ लिखिए, आर्थो क्लोरोटायुलीन, ठीक है, इसे कहा जाता है पैरा क्लोरोटायुलीन, ठीक है, लिख देना, उसे कहा जाता है आर्थो क्लोरोटायुलीन, उसे कहा जाता है पैरा क्लोरोटायुलीन, ये फिडल क्राफ्ट क्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूप्रिस ऑक्साइड, नहीं क्यूप्रिस साइनाइड के साथ अभिक्रिया, क्यूप्रस साइनाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ये फिल्ड क्राफ्ट अभिक्रिया तैयार कर लेना, बार बार पूछा जाता है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, क्यूप्रस साइनाइड के साथ में अभिक्रिया, क्यूप्रस साइनाइड के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, लिखिएगा क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड को हम लोग CuCN से प्रदर्शित कर दें, के साथ क्रिया, क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया कैसे होती है, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है आपका, कुछ नहीं होता है, क्लोरोबेंजीन जो होता है ये है आपका क्लोरोबेंजीन Cl, इस क्लोरोबेंजीन का अगर हम क्यूप्रस साइनाइड के साथ में क्रिया कराते हैं तब क्या होता है जानते हैं, CuCN के साथ में, तो क्या होता है, देखिए ये धातु है कि नहीं है, देखो मेरा ट्रिक, मैंने क्या बताया था आपको, कहीं पर भी सोडियम मिले, पोटेशियम मिले, Ag मिले, H मिले, या फिर कोई धातु मिले, अगर ये मिलता है बगल में आपका X है, X का मतलब Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यानी ये X है, तो सीधे यह इसके साथ में प्यार करता है और क्रिया कर लेगा, यानी यहाँ पर आपका बना देगा CuCl, ठीक है, ये बना देगा, बचा हुआ जो है ये CN जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या करेगा, वो वहाँ से चला जाता है, जगह खा लेता है, CN जाकर जुड़ जाता है CN, ठीक है, ये बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का जुड़ना, इसे कहा जाता है अपचयन, ठीक है, अपचयन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन कहा जाता है। अब देखना यहाँ पर उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, उत्प्रेरक NaHg, उत्प्रेरक NaHg और LiAlH4, उत्प्रेरक NaHg और LiAl4H4, इन दोनों को उत्प्रेरक के साथ में, ध्यान देना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इन दोनों उत्प्रेरक के साथ में अगर क्लोरोबेंजीन को हम रखते हैं, दिखाई दे रहा ना, क्लोरोबेंजीन को हम रखते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को हम रखते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग, यार यहाँ पे क्या है, हम लोग हाइड्रोजन का जुड़ना उत्प्रेरक कहा जाता है, तो H को हम लोग जोड़ते हैं, 2H को, और जब जोड़ते हैं किसके उपस्थिति में, मान लीजिए NaHg, सोडियम अमलगम जिसे कहा जाता है, इसके उपस्थिति में करा रहे हैं क्रिया, तो क्या करेगा, 2H है, एक H इस Cl को लेकर भाग जाएगा और बचा हुआ H जो है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा Cl H, ठीक है, और ये बेंजीन बना देगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से, बेंजीन से बेंजीन, तो आपको यही रिएक्शन लिखना है, ये वाला, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, तो आपको यही रिएक्शन लिखना है, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, तो आपको कौन सा रिएक्शन लिखना है, यही रिएक्शन लिखना है, ठीक है। अपचयन हो गया,
अब देखिए दो रिएक्शन मैं एक साइड का एक प्रकार का लिखा रहा हूँ, ये दोनों रिएक्शन आप लोगों ने किया है। जरा उस सब क्रिया के बारे में बताइए, दो तीन घंटे पहले मैंने पढ़ा था उस सब क्रिया के बारे में, आज ही के दिन में दो तीन घंटे पहले क्या बताया था मैंने उत्सव क्रिया में, तो मैंने आपसे कहा था उत्सव फिटिंग एवं क्रिया और फिटिंग एवं क्रिया समय आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समय आ गया है कि तीनों को मैं फिर से बताऊं। तो उत्सव क्रिया क्या बताया था मैंने, उत्सव क्रिया के बारे में आपको बताया था, उत्सव क्रिया उत्सव क्रिया, ठीक है। उत्सव क्रिया के बारे में क्या बताया था, जब आपका RX मतलब एल्किल हैलाइड दो अणु सोडियम के साथ में क्रिया कर रहा था, XR दो अणु सोडियम के साथ में क्रिया कर रहा था, तो आपका क्या प्राप्त हो रहा था, ये आपका इसके साथ क्रिया करके निकल जा रहा था, और निकलने के बाद आपका ये RR इस तरह से प्राप्त हो रहा था, साथ में 2NaX ये प्राप्त हो रहा था, इसे कह रहे थे उत्सव क्रिया ना। अब आपको मैं उत्स फिटिंग क्रिया बता रहा हूँ, उत्स फिटिंग क्रिया सिमिलरली यही है, उत्स ये जो क्रिया होता है सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में होता था, ईथर के ये बताया था मैंने उत्स क्रिया के बारे में, उत्स फिटिंग क्रिया, उत्स फिटिंग क्रिया के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। उत्स फिटिंग क्रिया के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उत्स फिटिंग क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, उत्स फिटिंग क्रिया किसे कहते हैं, उत्स फिटिंग क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान देना, उत्स फिटिंग क्रिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो आर एक्स था ये तो आर एक्स ही रहेगा, ये टू एन ए ही रहेगा, अगर फिटिंग शब्द आ जाता है तो आपको क्या करना है, फिटिंग कर देना है यहाँ पर एक्स इस तरह से, यानी कि यहाँ पर आपको एक बेंजीन ग्रुप को जोड़ देना है, तो ये जो अभिक्रिया करेगा इसे उत्स फिटिंग क्रिया कहते हैं, ध्यान देना सभी लोग। ये देखिए बाहर निकल जाएगा क्रिया करके ना, जब क्रिया करेगा, और ये भी क्रिया आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और यहां से आपका आर इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। आप आर के यहां सी एच थ्री रख सकते हैं, इसे कहा जाता है उत्स फिटिंग अभिक्रिया, क्या कहा जाता है, उत्स फिटिंग अभिक्रिया, क्या कहा जाता है इसे, उत्स फिटिंग अभिक्रिया। अगर बात करें फिटिंग अभिक्रिया की, देखो तीनों एक साथ मैं बता रहा हूं, फिटिंग अप्रिया, फिटिंग अप्रिया में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, इसमें क्या होता है, दो फेनिल ग्रुप, ये दोनों के दोनों आपके मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है, टू एन ए से क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा 2Na से। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, ये आपका जो है Na2NaCl बांध कर ला, ठीक है, और ये भी क्रिया आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये इसे कहा जाता है बाईफेनिल, इसे कहा जाता है टायोलिन, और इसे कहा जाता है बाईफेनिल, ठीक है। ये तीन क्रिया है, उत्स अभिक्रिया, उत्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, डिफरेंसेस समझ में आ रही, इसमें दोनों की दोनों एल्किल ग्रुप थे, RCS था, इसमें से एक एल्किल ग्रुप की जगह पे एक आपका फेनिल ग्रुप आ गया, इसमें दोनों फेनिल ग्रुप हो गए, दोनों आपके बेंजीन वाले ग्रुप हो गए, तो इसे कहेंगे फिटिंग अभिक्रिया, इसे कहेंगे उत्स अभिक्रिया, और उत्स फिटिंग अभिक्रिया इसे कहेंगे उत्स अभिक्रिया, तीनों एक साथ स्क्रीनशॉट मारना ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। अब खत्म ही खत्मा है, दो रिएक्शन और हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों समझ में आया, कुछ नहीं करना होता है उत्सव क्रिया में, सीधे सीधे आपको इस तरह से लिखना होता है और ऐसे क्रिया करा देना होता है, ठीक है ना। और यहां पर भी आपके निकलेंगे 2NaX निकलेंगे, अब यस यहां पर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ लिख देना, यहां पर भी आपके निकलेगा क्या 2NaCl ना, यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ लिख देना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हो गया, चलिए अब हेडिंग करिएगा सभी लोग, क्या हेडिंग करना है आपको, हेडिंग करना है कि मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया,
मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया, ये तीनों क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अब इसी के बाद मैं मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराने जा रहा हूँ। जो मैग्नीशियम के साथ क्रिया होती है वहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वह क्रिया ईथर की उपस्थिति में होता है। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वह ईथर की उपस्थिति में। देखिए अगर आप लोग आगे जाओगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पे शुष्क ईथर क्यों लिया जाता है ये भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन बोर्ड लेवल पे नहीं, थोड़ा सा अगर हाई लेवल IIT वगैरह की तैयारी करोगे तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि शुष्क ईथर क्यों बनता है, क्यों शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, ये वहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। ये क्वेश्चन क्यों शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक गुणधर्म में लिखिए मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ क्रिया, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कैसे करता है ध्यान देना सभी। मैग्नीशियम के साथ क्रिया कैसे किया जाता है, यहाँ पे MG है, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने के लिए यह आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यह आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके साथ क्रिया करता है तो क्रिया करता है। और यह क्रिया किसके उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क, अरे सॉरी ईथर की उपस्थिति, यह क्रिया केवल और केवल ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया नहीं होती है, केवल और केवल ईथर की उपस्थिति में होती है। और जब यह क्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है तो यहां पर आपका क्या होता है, ये MG जो है CL से पद आके जुड़ जाता है, इस तरह से एकदम वही क्रिया है जैसे आप वहां पर कर रहे थे, R वाला MgCl वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला सेम क्रिया है, और सेम रिएजेंट है और सेम टाइप है। वहाँ पे क्या था, RX था, RCl था, और वही MG के साथ में क्रिया कर रहा था तो क्या बना रहा था, RMgCl बना रहा था। तो यहाँ पर वही तो है, यहाँ पे बस फेनिल ग्रुप हो गया, और क्या डिफरेंस है बताइए जरा, ज़्यादा तेज तो नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा तेज तो नहीं हो जा रहा है रिएक्शंस, रिएक्शंस करने में मुझे मज़ा आता है यार, रिएक्शन में मैं फ्लो में आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, इस तरह से आपका यहाँ पे CL था और MgCl से पहले आके जुड़ जाता है, ठीक है। लास्ट के चार छह रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ रिएक्शन का ट्रिक था मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जो हम पढ़ रहे थे तब हमसे आया हुआ था और मेरा सही भी हुआ था, वह क्वेश्चन है आपका DDT कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं, लिखिएगा क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोग क्लोरल लेके आते हैं मार्केट से, क्लोरल लेके आते हैं, क्लोरल का फार्मूला होता है CH3CSO, आगे हम लोग क्लोरल भी बनाएंगे CCl3CHO, इसे कहा जाता है क्लोरल। हम लोग क्लोरल लेकर आते हैं मार्केट से, क्लोरल की क्रिया कराते हैं आपका किसके साथ में, हम लोग क्लोरल लेकर आते हैं मार्केट से और इस क्लोरल की क्रिया कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, इस क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ, इसकी क्रिया किसे कराते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ में क्रिया कराते हैं तो हमें DDT प्राप्त होता है, तो DDT प्राप्त होता है। जरा DDT का फुल फॉर्म बताइए सभी लोग, DDT का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, DDT का फुल फॉर्म पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT होता है। और देखिए DDT जो होता है ये कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है, ये हम बताएंगे, पहले इस रिएक्शन को समझिए। देखिए CCl3CHO, इसे ऐसे लिखिए CHO, इसे लिखिए, इसकी क्रिया जब हम लोग देखिए H, ये आपका क्लोरोबेंजीन ही है, ये क्लोरोबेंजीन है CL, इसके साथ में ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के साथ में क्लोरोबेंजीन के साथ में जब क्रिया कराते हैं
तो क्या होता है, ध्यान देना। देखो ये ओ है ना, इस ओ और ये दोनों एच दोनों आपस में मिलकर एच टू ओ बना देते हैं, क्या बना देते हैं, और एच टू ओ बना देते हैं, एच टू ओ बाहर निकाल देते हैं, और जो बचता है क्या, सी सी एल थ्री सी एच, ये बचता है, और ये दोनों आपस में जाकर इस तरह से इस तरह से जुड़ जाते हैं। ये आपका क्या है, डी डी टी, इस तरह से डी डी टी बनाता है, और इस तरह से आपके सभी रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं और ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हाँ, रही बात फिनाल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, फिनाल का उपयोग काफ़ी चीज़ें बनाने में किया जाता है। पहली चीज़ तो आपका बेंजीन बनाने में किया जाता है। कैसे बनाते हैं फिनाल से बेंजीन, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट, सॉरी क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिनाल बनाने में किया जाता है, और टायोलिन, टायोलिन बनाने में किया जाता है। ये सभी प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं, जो कि सभी प्रोजेक्ट आपके यूज में आते हैं। दूसरा है आपका डी डी टी बनाने में यूज किया जाता है। तीसरा है आपका क्या, तीसरा है आपका इसका उपयोग, चलिए जान लीजिए, दो ही जाने दीजिए। तो फिनाल, टायोलिन और डी डी टी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो इस तरह से आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन मेरे इंड से कंप्लीट हुआ, और मैं आपसे कह रहा था कि लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसे आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस लिखिए सभी लोग, क्वेश्चंस लिखिए, लिखिए सभी लोग क्वेश्चंस। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको यह सभी क्वेश्चंस करना है, क्या करना है, करना है करके मुझे टेलीग्राम कर देना, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपकी कॉपी देख लूंगा। निम्नलिखित पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है, निम्नलिखित पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है, किसके किसके ऊपर टिप्पणी लिखना है, पहला क्या है, पहला निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए, टिप्पणी लिखना मतलब कमेंट करना होता है, ठीक है। अभी से जाने हिंदी, सभी लोग कमेंट कमेंट कर रहे थे ना, पहली बार हिंदी जाने की, टिप्पणी लिखने का मतलब क्या होता है, कमेंट करना होता है, ठीक है। जैसे पहला है सेंड मायर रिएक्शन, सेंड मायर अभिक्रिया, ये पहला सेंड मायर अभिक्रिया, ये पहला है। दूसरा है आप सभी के लिए गटरमैन, गटरमैन अभिक्रिया, इन पर टिप्पणी लिखना है आपको। तीसरा है आपका डार्जिन अभिक्रिया, डार्जिन अभिक्रिया, डार्जिन अभिक्रिया। चौथा है आपका, चौथा क्या है, चौथा है आपका उच्च फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। चौथा, पांचवा है आप सभी के लिए, मैं पांचवा लिखा हूं यहां पर आप सभी के लिए, हाँ, हूं से डीकर अभिक्रिया, हूं से डीकर अभिक्रिया। इन चारों पर, पांचों पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये होमवर्क है। और हाँ, इस चैप्टर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं जल्दी कराऊंगा, थोड़ा सोच रहा हूँ एल्कोहल फिनाइल ईथर वाला भी कंप्लीट करें, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊं ना। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी लोगों का छुट्टी होती है, चार घंटे मेहनत की हो, प्रसाद में ये मिला है, और असली प्रसाद और लड्डू रिजल्ट आने के बाद मिलेगा। हमको खिलाओगे ना लड्डू, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से अब तक लगातार हमसे पढ़ा है, यह क्लास के बंद होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं हूँ सर पक्का। और मैं माँ शारदे से प्रार्थना मैं करूँगा आप सभी के लिए कि जो भी चीज़ें मैं इस क्लास में बताया हूँ, सभी चीज़ें आपके एग्जाम में देखने को मिले, और आप सभी लोग करके आए उसे, जितने लोग भी देखें, जितने लोग भी पढ़ें। और आप सभी लोग भी एक बार जाते जाते जय माँ सरस्वती लिखना, कमेंट बॉक्स में भी, अपने कॉपी पर भी एक बार माँ सरस्वती को नमन करना, उसके बाद क्लास को बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।